Dwansa, Sabhyascha. अत्र एतद् विश्वविद्यालयेन संस्कृतविभागेन कविसम्मेलनम् नवसंवत्सरमुपलक्ष्य आयोज्यमानं वर्तते। अस्य सम्मेलनस्य मुख्यातिथयः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य संस्कृतशास्त्रपारिणाम विद्वांसः आचार्याः यदुनाथ दुबे महाभागाः भविष्यन्ति। ते तावत् आसनं सादरं गृह्णन्ति। अतः परम् एतत् कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां विधास्यन्ति अस्माकं शोधविभागस्य आचार्याः दर्शनशास्त्रपारिणाः प्रोफेसर प्रदीप गोखले महाभागाः आसनं गृह्णन्ति। अतः परम् यथा मया पूर्व कल्पितम् कनकलोचना साहित्य अकादमी चतुर्दशतमः यः पुरस्कारः वर्तते, तेन सभाजिताः आचार्याः प्रभुनाथ द्विवेदी महाशयाः तेषाम् अद्य सारस्वतात् इत्युक्ते विशिष्ट सम्माननं च। अतः ते आसन् मञ्चस्थाः विद्वांसः मया सादरं विनिवेद्यन्ते यत् ते सरस्वत्याः सन्निधौ एतत् कार्यक्रमस्य शुभारम्भाय दीपं प्रज्वालयेम, पुष्पाञ्जलिं च समर्पयेम। मञ्चस्थाः अतिथयः पुष्पाञ्जलिं संस्कृत मंगलाचरणेन एतत् कार्यक्रमस्य शुभारम्भः एतत् विश्वविद्यालयीय स्नातिकाभिः तावत् विधास्यते। संस्कृत मंगलाचरणम् the
शिक्षा परम डॉक्टर रामजी सिंह बोर्या मंचस विदुषा माल्यार्पणेन ताव स्वागत ज्ञातुं मया अनुज्ञते रामजी सिंह एवं च भरत भूषण चौबे महाभागा अहम च अध्यक्ष महोदया मया सादर प्रार्थ्यन्ते मुख्यातिथि महाभागानां सारस्वतातिथि महाभागानां च अंगवस्त्र सभाजने तावत् स्वागतं कुर्वन्तु अभिनन्दनं चापि कुर्वन्तु। काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय तत्र व्याकरण विभागस्य अध्यक्षः व्याकरण पारिणः डॉक्टर भगवत्सरणशुक्लमहोदयः अत्र कविरूपेण उपतिष्ठन्ति तेषां माल्यार्पणेन स्वागतम् अहं करोमि। यथाक्रमं कवयः अत्र समायास्यन्ति उपस्थास्यन्ति तत्क्रमेण चापि ते स्वागती करिष्यन्ति अस्माभिः यथाक्रमेण केचित् आगन्तारः सन्ति केचित् मध्ये मार्गं वर्तन्ते यथा मम वार्ता जाता क्वचित् खनन कार्यक्रमः राजमार्गे प्रचलन वर्तते तर्हि महती बाधा तावत् गमनागमने काचित् अनुभूयते परञ्च हिंदू विश्वविद्यालय का समायांतः कवयः वर्तन्ते। माननीयाः एतत् संस्कृत कवि सम्मेलनस्य मुख्यातिथयः संस्कृत काव्य पुराण धर्मशास्त्र श्रवण विद्या पारिणाः अस्माकं परम सुहृदः अत्यन्तं विनयावताराः धर्म संस्कृति संरक्षकाः तत्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतयः आचार्याः यन्मा योगे महाशयाः तथैव काशी विद्यापीठस्य संस्कृत विभागीयाः पूर्वे आचार्याः काव्य विद्या काव्यार्थ प्रवणाः अस्माकं गुरवः आचार्याः प्रभुनाथ द्विवेदी महाभागाः ये सारस्वतातिथित्वम् अद्य भजन्ति तथैव मध्ये सभं तावत् अस्माकं अध्यक्षवर्याः अस्मत्कुटुम्बिनः परिजनाः तावत् अध्यक्षाः आचार्याः दर्शनशास्त्रपारिणाः अत्रत्य शोधकार्ये तावत् महत् योगदानं विदधानाः सर्वतोभावेन शोधकार्ये ग्रंथकार्ये यथाकालं तावत् समर्पिताः आचार्याः प्रदीप गोखले महाशयाः अन्ये अस्माकं व्याकरण विभागीयाः अध्यक्षाः काशी हिंदू विश्वविद्यालयतः भगवत् संस्कृत महोदयाः अस्माकं शब्द विद्या संकायः प्रवक्ते तदन्तर्गताः त्रयः विभागाः संस्कृत विभागः हिंदी विभागः अंग्रेजी विभागः तर्हि संस्कृत विद्या संकायस्य अध्यक्षाः नैक पुरस्कारैः सभाजिताः हिंदी काव्यानां तावत् लेखने अनुसंधाने गवेषणे छात्राणां शिक्षणे च तावत्
सर्वथा योगदानम सर्वतो भावेन योगदानम विदधाना डॉक्टर बाबूराम त्रिपाठी महाशया वर्तन्ते तथैव यदा प्रवृत्ति अहम् एतत् संस्थान मुपागतः तदा प्रवृत्ति मया साकं संस्कृत विभागे तत्र एकं विशिष्टं संस्कृतं भवति खवर्गीयं संस्कृतं तर्हि खवर्गीय संस्कृतं तावता कालेन तावत् मया साकं अतीव प्रशंसनीयं योगदानं सतताध्यापनं तावत् कुर्वाणाः अस्मत् सुहृदः मम ज्येष्ठ सुहृदः डाक्टर् रामजी सिंह महाशयाः तथैव मम सहायक संस्कृत विभागीयः सहायकः प्राध्यापकः व्याकरणाचार्यः संस्कृत विद्यापीठ विज्ञान संकाये कृत शोधकार्यः डाक्टर् हरेन्द्र भार्गव महोदयः तथैव तत्रत्य संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकायांतर्गत ज्योतिष विभागीय तावत् शोधाचार्यः शोधकार्यः अत्र ज्योतिष विभागे शिक्षणं कुर्वाणः डॉक्टर भरत भूषण चौबे महाशया एवं अत्र संस्कृत विभागे किंवचन किंचित् वाच्यं यदा मुखे समायाते किं कर्तुं शक्नोमि यद् विवरणं तावत् प्रतिभाति उद्भवति वा तत् आयात्येव नरोद्धुं पार्यते तर्हि संस्कृत शोध विभागीयः शोधक छात्राः कथयितुं शक्यते कि श्लोकानां निर्माणे तावत् कक्षा जी नेपाल वास्तव्य श्री दावा शेर्पा अन्ये अत्र आचार्य कक्षाया शास्त्री कक्षाया मध्यमा कक्षाया ज्येष्ठा वरिष्ठाः कनीयांसः लघीयांसः तावत् एकेचन छात्राः भिक्षवः भिक्षुण्यः बालाश्च भवन्तः मन्ये सम्यक् विदन्त्येव यत् मन्ये द्विसहस्रतमाब्दतः ख्रीष्टाब्दस्य द्विसहस्रतमाब्दतः तावत् अत्र महोदयाः कविसम्मेलनं सांस्कृतिककार्यक्रमाः बालकानां योग्यता संवर्धनाय नाट्यमञ्चनं द्विवेदीमहोदयाः प्रमाणम् अधिकं न वाच्यं तर्हि छात्राणां कृते तावत् बहुविधाः तेषां योग्यता संवर्धनाय कार्यक्रमाः मया यथाकालं प्रतिवर्षं सम्पाद्यन्ते तत्र व्यवधानं मन्ये एकस्यापि वर्षस्य अद्यावधि द्विसहस्रतमाब्दतः न जातं तर्हि तस्मिन्नेव क्रमे अद्य इदं कविसम्मेलनम् आयोज्यमानं वर्तते अत्र भवन्तः विदन्ति भवन्तः मन्ये कदाचित् जिज्ञासन्ते कथमेतत् कविसम्मेलनं कथङ्कारं तावत् इदम् आयोज्यते एतदायोजनेन को लाभः तर्हि भवन्तः जानन्तु भवताम् एव तावत् काव्ये नाहं सनातनकाव्यानां कानिचन उदाहरणानि प्रस्तोतुं समीहे परञ्च अहम् एकं पद्यं बुद्धचरितस्य सामान्यं पद्यं यदि अस्माभिः यतोहि प्रथमख्रीष्टाब्दस्य मन्ये प्रथमख्रीष्टाब्दिकः आचार्यः अश्वघोषः तत्रापि किञ्चित् वैमत्यं कश्चित् प्रस्तूयते कालिदासात् परमपि सः उपस्थाप्यते भवतां सा ऐतिहासिकी वार्ता तेन किं तर्हि तेन कविना तावत् प्रोक्तं वर्तते संस्कृत कविता विषये अहं कथयामि यतो हि अत्र कविसम्मेलनम् अत्र कविशब्दः वर्तते तर्हि कविकाव्यविषयकः य उद्भवः तावत् वर्तते वाल्मीकिरादौ च ससर्ज पद्यं
వాల్మీకి రాదౌ చ ససర్జ పద్యం వజ్య గ్రంథ యన్నచ్యవనో మహర్షి చికిత్సితం యచ్చ చకారణాద్రి పశ్చాత్ తదాత్రేయ ఋషిర్జగాత ఏతేన ప్రతియతే సర్వాసు సర్వాసు విశ్వస్య భాషాసు ఇదం తు కథయితుం శక్యతే అనేన పద్యేన మయా నిర్భీకం विश्वस्य सर्वासु भाषासु संस्कृत भाषायाम एव तावत् कवि काव्य चर्चा अथवा प्रथम कवे उद्भवः इति मया वक्तुं शक्यते। सच प्रथमा कवि कः वाल्मीकि। वाल्मीके प्राप्त तावत् कश्चन अन्य कवि कविर् न भवत्। यतो हि सयो कथयति अहं न कथयामि। आदौ वाल्मीकि वाल्मीकि आदौ च ससर्ज पद्यं। पद्यं प्रथमतः वाल्मीकि ने उतारो ससर्ज तरी एते प्रतीयते तथा पूर्वं कश्चित् तावत् कवि नासी कविर् न भवत् यः पद्यं ससर्ज तस्य मतं तस्य मतेन मया तावत् प्रस्तूयते माने वाल्मीकि वाल्मीकि रामायणं यत् आदिकाव्यं तस्मादेव मन्यते वाल्मीकि आदिकवि तस्य महाकाव्यं रामायणं आदिकाव्यं तरी आदिकाव्यं यत् भवति तत् प्रथमं काव्यं भवति तथा प्राक् तावत् किं किमपि काव्यम् अस्माभिः न कथयितुं प्रस्तोतुं शक्यते यत् एतत् काव्यं प्राक्तनम् आसीत् तरी तै एवं तत्र उक्तम् एवं च तेन इदमपि तत्र उक्तम् यत् भवतु नाम अश्वघोष कालिदास भास माघ दंडी भारवी प्रभृतयः कवयः तदनन्तरं किं साम्प्रतिकेषु कविषु तादृशः कश्चित् प्रतिनिधि कवि न भवितुम् अर्हति। अर्थात् यदि कालिदासस्य उपमा प्रसिद्धा वर्तते भारवेः अर्थगौरवं तावत् यथा प्रशस्तं वर्तते पदलालित्ये यथा दण्डी तावत् प्रशस्तः वर्तते माघे कदाचित् त्रयोगुणाः भवन्ति तर्हि अद्यापि तावत् स्वातन्त्र्योत्तरं मया कथयितुं शक्यते अतीव तावत् प्रामाणिकाः उच्चस्तरीयाः तावत् केचन। तर्हि मया इदमेव उच्यते स्म वाल्मीकि आदिकविः वर्तते इति अस्य घोषस्य पद्यं तत्र प्रमाणत्वेन मया प्रस्तुतं ततः प्राक् कश्चन कवि नासीत्। तर्हि वाल्मीकि कवितायाः तावत् बाणभट्टेन प्रशंसा कृता वर्तते। सदूषणापि निर्दोषा सखरापि सुकोमला सखरापि सुकोमला एतादृशी कविता आसीत् और परञ्च तत्रैव हाँ नलचम्पू किं कवेस्तस्य काव्येन किं कवेस्तस्य काव्येन सर्ववृत्तान्तकामिनी कथेव भारतीयस्य नव्याप्नोति जगत्त्रयम्। तर्हि इदमपि तावत् प्रभावितं यत् कवयः नैके भवन्ति बहवः कवयः भवन्ति किन्तु ते तावत् येषां सर्ववृत्तान्तकामिनी कविता जगत्त्रयं व्याप्नोति तादृशाः कवयः सुदुर्लभाः साम्प्रतं वर्तन्ते। तथैव निर्गतासु नवाकस्य कालिदासस्य सूक्तिषु प्रीतिर्मधुरसान्द्रासु मञ्जरीषु जायते। तर्हि एवं कालिदासस्यापि प्रशंसा ततः परं केषाञ्चित् कवीनां निन्दापि कृता। केचन दुष्टाः चौराः तावत् कवयः आसन् तेऽपि तावत् न परित्यक्ताः सन्ति स्वान् युवा सङ्ख्या जातिभाजो गृहे गृहे उत्पादका न बहवः कवयः शरभा इव। तर्हि एवं तावत् केचन चौराः अपि कवयः आसन् ये अन्येषां कवीनां रचनासु तावत् इतस्ततः किञ्चित् वर्णपरिवर्तनं विधाय कानिचन पदानि तावत् अन्यवर्णपराभृत्य बन्धचिह्ननिबूहनै बन्धचिह्ननिबूहनै तर्हि अनाख्याताः सतां मध्ये कविश्चौरो विभाव्यते। तर्हि एतादृशाः अपि केचन कवयः तदानीं मन्ये स्युः तदैव तावत् अनेन कविना एवं विभाव्य किञ्चित् उक्तं परं च कवेर मनीषी परिभू स्वयं भू कवयः मनीषिणा परिभूवः परिभूवः मनीषी परिभू स्वयं भूवः तावत् एक कवयः भवन्ति। तर्हि साम्प्रतमपि संस्कृत कविता विकसन्ती विलोक्यते अत्रापि यथा गुरुवर्याः उपाध्याय महाभागाः पूर्वनाथ द्विवेदी महाभागाः देवाप्रसाद द्विवेदिनः देवाप्रसाद द्विवेदिनः तथा किं भास्कराचार्य त्रिपाठिनः अभवन् बसन्त त्र्यम्बक सेवडे क्षमा राव एवं च
मथुराना शास्त्री राजस्थानीय राजस्थानीय उपन्यास उपन्यास कवि साहसी तरी एवं नहीं के सांप्रतम गुरुवर्या उपाध्याय शिवजी उपाध्याय महाभागा तान को न जानाती तथैव अस्माकं अभिराज राजेन्द्र मिश्रा अत्यंतम तावत काव्य गीति पारगा तेषां नैकानि काव्यानि कुञ्जन्ति सांप्रतम तावत भारते विदेशेषु च तहि तथैव अस्माकं मध्ये अस्माकं दुवे महाभागा अपि कवितां कुर्वन्ति मया भवतां कविता श्रुताः तावत् अधिमञ्चम् गुरु ये भी साकं मम इलाहाबादे तावत् अस्माकं परिचयः अभवत् कवीनां तावत् संस्कृते न्यूनता नास्ति संस्कृत कविता अद्य तावत् विकसन्ति सम्यक् रूपेण विहरति अद्य यथा द्विवेदी महोदयानां एते कथा काव्यानि तावत् कथा काव्यानि बहूनि परिचितवन्तः साम्प्रतमपि तथा प्रवर्तन्ते तथैव तावत् कविसम्मेलनानां माध्यमेन कविता जागर्ति एवं च कविता विकसन्ति जायते अर्थात् कवयः काव्यकर्मणि प्रवर्तन्ते कविसम्मेलनानां माध्यमेन अतः कविसम्मेलनस्य तावत् महदुपयोगित्वं जायते एतादृशानि संस्कृतकविसम्मेलनानि अस्माभिः सर्वदा आयोजनीयानि येन अस्माकं छात्राः अपि श्रावं श्रावं कदाचित् प्रवर्तन्ताम् नाम संस्कृत काव्य कर्मणि कवन कर्मणि वा तर्हि एतेन संस्कृत अद्य बहूनि महाकाव्यानि नाटकानि चम्पूकाव्यानि गद्यकाव्यानि कथाकाव्यानि तावत् मन्ये अहं किं कथयामि सहस्राधिकान्यपि तावत् स्यु काव्यसङ्ग्रहः नैकेषां काव्यसङ्ग्रहः प्रकाश्यमानाः साम्प्रतं प्रकाशिता वा जायन्ते अतः संस्कृत साहित्यम् अत्र संस्कृत काव्य साहित्यम् लक्ष्य साहित्यम यद पढ़ते तत् अत्यंतम तावत् विकसमानम विकसत मया तावत् अवलोक्यते तर्हि एतादृक् संस्कृत साहित्यम साम्प्रतं तावत् सम्यक् रूपेण विकसति तत्र प्रमाणत्वेन विद्वांसाः अद्य वर्तन्ते ते स्वीयां कवितां प्रस्तूय सम्यक् रूपेण तावत् अत्र भवन्तः अत्र उपस्थितान् सर्वान् सभ्यान् संतर्पयिष्यन्ति ते भवन्तः श्रावं श्रावं तावत् मधुर काव्यम अत्यंतं प्रसन्ना भविष्यन्ति केचन कवयः साम्प्रतम् आगन्तारः मध्ये मार्गं वर्तन्ते भवन्तः जानन्ति एव तर्हि मया अस्मिन् अवसरे तत्र भवतां मञ्चस्थानां विदुषां सम्यक् रूपेण स्वागतं क्रियते यथा मया पूर्वं सूचितं आगतानां अतिथीनां कवीनां अत्र उपस्थितानां सर्वेषां तावत् संस्कृतानुरागिणां संस्कृतानुरागिणीनां संस्कृतानुरागिणीनां छात्राणां भिक्षूणां च मया साकं संस्कृत विभागपक्षतः स्वागतम् अभिनन्दनं च विधीयते अस्मिन् क्रमे यथा मया पूर्वं प्रोक्तं भवन्तः जानन्ति एव यत् इदं बौद्धदर्शनप्रधानं संस्थानं शिक्षासंस्थानम् इदं बौद्धदर्शन विभागे नियुक्त आचार्याः आसन् यत् आचार्याः दुवे महाभागा तर्हि मया यथा चिन्त्यते स्मर्यते गुरुमहोदया प्रमाणत्वेन अत्र तावत् वर्तन्ते मन्ये बौद्धदर्शन विभागस्य अथवा बौद्धदर्शन विदुषः कस्यचित् तावत् इदं कुलपतित्वेन प्रथमं चयनम् अतः तच्चयनमुद्दिश्य संस्कृत एतत् विश्वविद्यालयः संस्कृत विभागोऽयं तावत् अद्य तान् अभिनन्दति तान् तेषां तावत् स्वागतं विशिष्टम् अभिनन्दनं च करोति अभिनन्दनपत्रम् अपि प्रस्तौ संस्कृत विभागः भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतं संस्कृतिस्तथा आये आयान्तु स्वागतं स्वागतं काशी हिन्दू विश्वविद्यालय बी एच यू
काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्कृत विद्यापन विज्ञान संकाय साहित्य विभागीय विभाग अध्यक्ष प्रशस्ता कवय ताव संपूर्ण भारत आम पश्चात वक्ष्यामी आचार्य कौशलेन्द्र पांडे महाभागा उपतिष्ठन्ते महागता स्वागत तस्मादेव विभागा अस्माकं परम सुहृदः प्रशस्त कवयः व्याकरण कवयः डॉक्टर उमाकांत चतुर्वेदी महोदयः उपतिष्ठन्ते तेषामपि हार्दिकं स्वागतं मया दीयते माल्यार्पणेन। एकमेव वाक्यं कविद्वयस्य विश्वविद्यालयुक्ता विश्वविद्यालय संस्कृत विभाग विशिष्ट अभिनंदनं विधत्ते। तत्क्रमे पूर्वक्रमे अभिनंदन पत्र मैं प्रस्तूय भारत से प्रतिष्ठे संस्कृत संस्कृति परम सम्मान्यानां कुलपतीनां प्रोफेसर यदुनाथ दुबे नाम इत्यो मम समीपे आसीत् पूर्व प्रसाद मया समाचार पत्रे भी और इदम कुचित कुचित दुबे आयाति प्रसादा नोपि उज्यते कस्मात् मया विचिकित्सितं किम् अहं प्रसाद सप्तम युनज्मि नवा एवं तावत् तरी मया इति मध्यम पद रोगति समाज अभिनंदने का स्वयं प्रसाद यद यदुनाथ दुबे महाभागानां विशिष्ट विशिष्टाभिनंदन वंदनम उत्साह मंत शक्ति संपन्नानां शास्त्र वचनामृत राशि माधुर्यं स्वदमानानां मित सारवचोहि सर्वविद समाजं कृतार्थयतां सनातन हिंदू धर्म संस्कृति सपर्यायां समग्र जीवन मुदात्त भावेन समर्पयतां सांस्कृतिक योजनोद्भावकानां ज्ञानां बुद्धिमणीनां निज प्रकृष्ट ज्ञान विज्ञानानुभवेन समेधमान दुष्प्रवृत्युन्मूलकानां कृत्रिमच्छल जाल दंभ विनिर्मुक्तानां परानुग्रह पेशलमतीनां धर्म संस्कृत्योर वैज्ञानिकत्वं प्रतिष्ठापयतां निज शास्त्रीय चिंतन बलेन मूर्धन्य विद्वच्छिरोमणीनां मध्येस्तु प्रतिष्ठितानां वेदस्मृति स्वाध्यायादि कार्यक्रम प्रवर्तकानां जातिक्षेत्रवादानपहाय समाजे सौहार्दं सौमनस्यं च संस्थापयतां नैकोच्च सामाजिक शैक्षिक संस्थासु प्रतिष्ठित शीर्ष सदस्यत्वमुपागतानां विपुलार्जित तीव्रानुभवानां भारतीय संस्कृते रैक्यं वितन्वानानां प्राच्यर्षि महर्षि गणानुमोदित पंथानमग्रेसारयतां सत्य धर्मं जी देव प्राच्यर्षि महर्षि गणानुमोदित पंथानम मोदित पथम अच्छा पथम मोदित पथम पंथानम पथम हाँ जी जी पथ पथ मोदितम क्रियता नहीं समा मोदित अच्छा मोदिता पंथा मोदिता पंथा नहीं नहीं अच्छा समा समझिएगा मोदिता पंथा मोदित पथा मोदितम पंथा हाँ मोदितम पंथा सत्यधर्मामृतरसेन सामान्य समाजमपि संतर्पयताम् एवं देव देव देवी सत्यनुष्ठानेन लब्ध विपुल सौभाग्यानां परंपरागताधुनिक पद्धत्या संस्कृत वाङ्मये परिनिष्णातानां वेद पुराण काव्य दर्शनादि सुकृत भूरि परिश्रमाणां शताधिक शोध निबंध लेखकानां नैक शोधोपयोगिकृत कार्याणां काव्य शास्त्र बौद्ध दर्शन धर्म शास्त्रादिषु लब्धा परिमित वैदुष्याणां नैक प्रशस्त ग्रंथानां रचितवतां संपादितवतां व्याख्यातवतां च
संस्कृतस्य भूयो विकासाय प्रचाराय च सर्वथा दत्तावधानानां भगवत भक्ति रस निमग्नानां जन्मत एव सात्विक प्रवृत्ति हव्य धूप गंधादि निषेवकानां विश्वमंगल श्रेयांसि साधयितुं धृतोपासना व्रतानां समाजे लब्ध नैक सम्मान पुरस्काराणां मागम स्वाध्याय प्रवचन व्यवहार कालको विविध शास्त्रानुशीलयताम् संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से कुलपति पदे चयनमुद्दिश्य बौद्ध दर्शन प्रधाने नानेन सारनाथस्थ केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय संस्कृत विभागे न तत्सुखाने चिरायुष्यम च प्रार्थयमानेन संस्कृत विभागे प्रार्थयमानेन सामोदं सादरं विशिष्टाभिनंदन चंदन सेंदन बंदन पूर्वकः तावत् तेषां करकिंजल कयो रेश समर्प्यते शब्द सुमांजलि। पंच उपजाति छंदसि पद्यानि सन्ति पद्यानि एव पर्याप्तं जातानि सत्यव्रतः संस्कृत शास्त्र धीरो विद्वद्भुरीरो यदुनाथ वर्य वेदांग विद्या परिदीक्षितोसौ विभाति सद्धर्म निषेवणेन यह कर्मणा धर्म रसान्वितेन चित्तेन वाचा च कृत प्रतिज्ञः यत् पाठशालास्तु कानिचन निवेदनानि एतन् माध्यमे एतत् व्याजेन यत् पाठशालास्तु नियुक्तयः स्युच्छात्राः सुयोग्याः प्रभवन्तु तस्मात् कार्यक्रमाः संस्कृतदेव वाण्या आयोजनीया भवता प्रशस्ताः दे दीप्यताम भारतमत्र वाण्या मुखे मुखे राजतु देववाणी गंधाक्षतैर्वो बहुपुष्पमाल्यैर् मान्यान् समर्चामि च सत्करोमि मांगल्यमीयुर् गुणिनो भवन्तः चिरायुषः स्युः शिवमीश मीदे अतः परम कनक लोचना साहित्य अकादमी पुरस्कार 2000 14 ख्रीष्टाब्द का अयम पुरस्कार तावत् एतेन भवन्तः आचार्य प्रभुनाथ विदिना अस्मिन् निमित्ते सम्मानिता तर्हि साहित्य अकादमी पुरस्कार कश्चन महान पुरस्कार भवति सुप्रतिष्ठिता पुरस्कार भवति तर्हि मन्ये वाराणस्यां प्रथमोऽयं मन्ये पुरस्कार अच्छा पूर्वं बहुपूर्वं स्यात् तर्हि तर्हि बहुपूर्वं स्यात् कदाचित् इतः मन्ये अच्छा द्विवेदिना अन्येपि केचन कनकलोचनो विजयते तराम इति शीर्षके तावत् किञ्चित् अत्र कानिचन वाक्यानि अत्र प्रस्तूयन्ते पद्यानि च सनातन धर्म संस्कृतिमय जीवनेन उच्चारण स्पष्टम अस्ति न सनातन धर्म संस्कृतिमय जीवनेन पवित्रीकृतात्मनां सत्य सुचिताच्छान्त्यौ दार्य विभावितानां सांस्कृतिक विकास योजना शिल्पिनां नैक धार्मिक सभा समितिषु
निजौ जस्वितया तीव्र प्रज्ञया च समाज हितोपयोगी विचार प्रवणानां स्थित तर प्रभावानां संस्कृत प्रचारैक प्रतिनाम मृदु स्वभावानां संस्कृत शोध कार्य दत्त चित्तानां निश्चला भय स्वभावानां विधूत कलमसानां निज समस्त जीवनं भारतीय संस्कृतेः संस्कृत वाङ्मयस्य चालोडने समर्पयताम् गामं गामं भ्रामं विश्व संस्कृत सम्मेलन परिसंवाद पद नियुक्ति शोध मौखिक परीक्षा व्याख्यानादिषु यथा मया स्मृतं तथा पदानि यत्र योजितानि अन्यदपि किञ्चित् स्यात् मन्ये यथा उपलब्धं निज वर्चस्वं नियुक्ति शोध मौखिक परीक्षा व्याख्यानादिषु निज वर्चस्वं प्रतिष्ठापयताम् प्रकृष्ट सामाजिकानुभव पारावारीणां जाति क्षेत्र वर्गवादादि निरपेक्षानां धर्म संस्कृति भक्ति साहित्यस्याप्यनुशीलकानां और यथा संस्कृते तथा राष्ट्रभाषा कार्यक्रमेषु हिंदी कार्यक्रमेषु अपि कवयेतेताव सम्यक् रूपेण राष्ट्रभाषा कार्यक्रमेषु चापि निज प्रावीण्येन प्रकृष्टानुभव चिन्तनेन वैदुष्यगतं गौरवं संस्थापयतां महात्मा गांधी काशी विद्यापीठस्य संस्कृत विभागे त्रयस्त्रिंशत् वर्षाणि शिष्यानध्यापितवताम् षट्त्रिंशन्मित शोध छात्रान् निज निर्देशनेनोपकृतवताम् विपुल शोध निबंध लेखकानां नैक शोध योजना पूरकानां एकोनचत्वारिंशत् संख्यकान् संपादित व्याख्यायित मौलिक गद्य पद्यमय ग्रंथान् विरचित बताम और उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानेन विशेष बाण भट्ट विशिष्टादि पुरस्कार सभाजितानां एक लक्ष मुद्रया रामानंदाचार्य पुरस्कारेण काश्याम सम्मानितानां कनकलोचना इत्यधिकृत्य साहित्य अकादमी पुरस्कार विभूषितानां समेत्य 20 संख्य पुरस्कार सम्मान गौरव मंडितानां उत्तर प्रदेश मीरजापुर मंडले भैंसा ग्रामे स्वातंत्र सूर्योदये जनिम लब्धवताम् परम सम्माननीयानां पंडित प्रवराणां प्रोफेसर प्रभुनाथ दुबेद वर्याणां अकादमी पुरस्कार प्राप्ति उद्दिश्य तेषां सारनाथस्थ केंद्रीय तिब्बती अध्ययन विश्वविद्यालय संस्कृत विभागेन विशिष्टाभिनंदन वंदनानि विदधता तदीय सतायुष्यारोग्य सौख्यानि कामयमानेन सादरं मोदं तत्कर कुशेषययो समर्प्यत एष शब्द सुमांजलि में विद्या विनीता पंच पद्यानि चत्वारि उपजाति छन्दांसि एकम अनुष्कुप विद्या विनीतः शुभकर्म मार्गी शास्त्रे निजे लब्ध समाधिकारः सनातनाचार पथानुगामी साहित्यकारः प्रभुनाथ एषः धर्मार्थ मोक्ष व्रतपालकोऽयं
धर्मार्थ मोक्ष व्रतपालकोऽयं लोक प्रसिद्धिं परमामवाप्नोत् लोक प्रसिद्धिं परमामवाप्नोत् अनेन लब्धा महती सुकीर्तिर् विद्वत्प्रियोऽयं हि महादयालुः विद्वत्प्रियोऽयं हि महादयालुः काव्ये यथा सोऽपि कथा प्रबन्धे गीत प्रकर्षे कविरेश सिद्धा गीत प्रकर्षे कविरेश सिद्धा व्याख्या प्रवीणश्च गवेशकोशौ भवेत् सतायुः परिमोदमानः भवेत् सतायुः परिमोदमानः शास्त्रार्थधीरः सरलः प्रकृत्या विशुद्धवेशो गुणिनां वरेण्यः चरंश्चरन् विन्दति शास्त्रतत्त्वम् काव्यार्थवेत्ता परिभाषतेत्र संस्कृतं सेवमानं तं प्रभुनाथ द्विवेदिनं सादरं स्वागतीकृत्य गौरवमनुभवाम्यहं संस्कृत भागा केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय सारनाथ वाराणसी अध्यक्ष महोदयाः समर्पयिष्यन्ति। कार्यक्रमान्ते चतस्त्रीणां प्रतियोगितानां आयोजितानां अत्र पुरस्कार वितरणं प्रमाणपत्र वितरणं चापि काव्य पाठान्ते अथवा मध्ये यथा सौविध्यं तावत् कार्यक्रमोऽयं मध्ये मया विधास्यते। तर्हि सूचनार्थं छात्राः उपतिष्ठन्ते, ते प्रतियोगिनः, तेभ्यः प्रमाणपत्राणि पुरस्काराश्च वितरिष्यन्ते। अतः परं काव्य पाठः विजय प्राप्यते। छात्राः शृण्वन्ति पश्चात् किञ्चित् काव्य पाठः स्यात्। सर्वप्रथमं चिन्तां मा कुर्वन्तु, चतुर्वादनं वर्तते। तर्हि एवं तावत् मया सर्वप्रथमम् अत्रत्यः शोधछात्राः अत्रत्यः संस्कृतशोधछात्राः मया दावा शेर्पा इति नामकः शोधछात्रः मया अत्र आकार्यते काव्यपाठं विधातुं। सा निजकाव्येन सन्तर्पयेत् अत्र सभ्यां दावा शेर्पा महोदयः। नमो नमः सर्वेभ्यः एवञ्च गुरुवरेभ्यः सर्वेभ्यश्च छात्रेभ्यः। अत्र मया कानिचन पद्यानि निर्मितानि एवं च कानिचन पद्यानि बोधभाषतः अनूदितानि। मम पद्यानि स्तुति स्वरूपाणि मङ्गलकाम्यकानि च। यो हि विगतचिन्तोऽपि लोककार्येषु चिन्तितः निःस्पृहोऽपि हितैषियो स हि महाकृपाकरः। जगदुःखापहर्तारं सद्धर्मामृतपायकं श्रीमन्तं भगवन्तं तं बुद्धं नमामि हर्षतः। प्रज्ञाकारुण्यसारो हि यद्धर्मो बुद्धदेशितः सत्त्वहितैकसम्पोषी सर्वलोकोपकारकः।
आदि मध्यंत कल्याणम धर्मम बुद्धोपदेशितम चित्त मलापहर्तारम प्रणमामि समादका सुमार्गे प्रतिपन्नः प्रतिपन्नोय सत्वहितैक साधकः बोधिसत्तो महासत्त्वः स आर्य संग संगितः बुद्धो धर्मस्तथा संगस् त्रीणि रत्नानि सम्मतं तानि नत्वा शुभं याचे सर्वलोकाहिताशय रत्नतर्यस्य माहात्म्य मनुस्मरेत् जनः सदा बुद्ध शिक्षानुसत्तासन् त्यजेत कुशलं तथा अत्र कानिचन पद्यानि बोधभाषता यानि अनुदितानि तत्र बोधिचित्तं किम्विदं तत्र माहात्म्यं कथयत् एतत् पद्यम् एकं वदति तत्र छन्दसि किञ्चित् वैशित् किञ्चित् शैथिल्यमार्थं तत्र क्षम्यतां दुर्गतिकर्मवारकं स्वर्गमार्गप्रदर्शकम् अजरामरनायकं बोधिचित्तं नमम्यहम् कामपङ्कानिमाग्नान्नस्तृष्णपाशनिबन्धनान् वन्दनैः सकलैर्बद्धान् पश्चेत् स द्विपदामोर मलिनीभूतचित्तानां मलिनीभूतचित्तानं निन्दको न तथा गतः सत्त्वेषु करुणचित्तस्तारयेत् स भवाब्धितः एकं च अवशिष्टं तत्र एकं पद्यं बोधिचित्तं अस्माभिः यदि न उत्पादितं तस्य उत्पादनार्थं धनार्थ प्रथनामयम् एकं पद्यं बोधिचित्ता महारत्न मनुत्पन्नं जायताम् बोधिचित्ता महारत्न मनुत्पन्नं च जायतम् उत्पन्नमविनश्यति वर्धता मुत्तरोत्तर जय काशी हिंदू विश्वविद्यालय साहित्य विभागतः उपस्थिताः सहाचार्याः कवयः वैयाकरणाः डॉक्टर उमाकांत चतुर्वेदी महोदया मया सादरं निवेद्यन्ते यत् ते निजकाव्येन अत्र सभ्यां सन्दर्पयन्ति चतुर्वेदी महोदया गुरुचरणेभ्यः नमो वातं मान्या द्वे कविते श्रावयिष्यामि तयोः एका कविता प्राचीना तस्याः कवितायाः शीर्षकं वर्तते भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा अनन्तरं या द्वितीया कविता प्रस्तोष्यते सा कविता अद्यैव जन्म अवाप्तवती अस्माकं मित्रवर्येण पण्डितश्रीधर्मदत्तचतुर्वेदेन अहम् आदिष्टः आसम् कविसम्मेलने आगन्तव्यं किन्तु वारं वारं मया प्रार्थ्यते नाहं कवि अथापि एतेषां श्रीमतां तथा महीयान् स्नेहः वर्तते येन स्नेहेन बद्धः अहम् अत्र आगतोऽस्मि अत्र वैशिष्ट्यं वर्तते अस्माकं विभागाध्यक्षाणां पूज्यानां पाण्डेयमहाभागानां यदि ते न स्युः तदानीं मम आगमनमपि सम्भवं न स्यात् अहम् आरोप्ये पाण्डेजी अहम् आरोप्ये प्रथमं श्रावये भवेत् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा प्राचीना सुबोधा मनोज्ञा सुबद्धैकरूपा यथा देव भाषा तथा नान्य भाषा अतः सेवनीया सुधी भी सदा सा भवेत् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा भवेत् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा नदीनां यथा
जानवी श्लाघनीया यथा काम धेनुर्गवां वंदनीया तथा भारती कल्पवल्ली समासा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा सुरैर्दानवैर्मानवैर्नित्यमेव प्रणम्येयमाराधिता सर्वलोकैः सदाधारभूता प्रभारान्विता सा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा प्रतीच्यामुदीच्याम् तथा दक्षिणस्याम् जनानां मनसुल्लसन्ति वसन्ति सदा प्रौढभावापि नित्यं नवासा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा पिता मे महेशः प्रभुश्चान्नपूर्णा गणेशस्वरूपा सदा बन्धुवर्गा दिशन्ति कुटुम्बेन तुल्यं जगत्सा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा वसुधैव कुटुम्बकं नहि अपि सम्पूर्णं ब्रह्माण्डम् एव कुटुम्बकं वर्तते अत्र देवाः मनुष्याः समेपि आत्मीया सन्ति अतीते भविष्ये पाठक्रमात् अर्थक्रमो वरीया इति रीत्या अन्वयः विधेयः श्रीमद्भिः अतीते भविष्ये तथा वर्तमाने भवानां सुधीनां विचारान् नयन्ति अतीते भविष्ये तथा वर्तमाने भवानां सुधीनां विचारान् नयन्ति नवप्राक्तनज्ञानदानप्रदासा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा तालियां तो कारणों से बजती हैं या तो भगाने के लिए पुराणानि वेदादयो धर्मशास्त्रा यदं भान्त्यमुष्यां विचार प्रचारै रसज्ञै कविन्द्रै सदा लालिता सा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा करां संस्कृतिं ब्रह्म विद्यां खगोलम् तथा काव्यशास्त्रं समुद्भासयन्ति सदा विश्वमञ्चे प्रसिद्धा स्वभाषा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा इयं राम राज्ये यथा विश्वभाषा यथा भोजकाले विभाति स्म भाषा तथैवाधुना शाश्वती देवभाषा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा प्रभावादमुष्या प्रजातंत्र सिद्धि भवेदेकताया प्रसिद्धिश्च नूनम् व्याख्यानस्य आवश्यकता नास्ति संस्कृतम् एव तादृशी भाषा वर्तते यत् पूर्वात् पश्चिमात् उत्तरात्
दक्षिणं यावत् संकुले स्थाने संस्कृत भाषायां ऐक्यं वर्तते हिंद्यां तथा नास्ति आंग्ल भाषायां अपि तथा नास्ति शेक्सपियर समये या आंग्ल भाषा वर्तते सा इदानीं न नास्ति किन्तु संस्कृतं वाल्मीकि काले यथा आसीत् तथैव इदानीम् अपि वर्तते इति बृहत्तरत्वं महत्तरत्वं चास्याः भाषायाः अहं समुद्घोषये प्रभावादमुष्या प्रजातंत्र सिद्धि भवेदेकताया प्रसिद्धिश्च नूनं गति सर्वधर्मा गति सर्वधर्मान्मयानोत्तमा सा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा नमामो निशम् नमामो निशम् पाणिनिं भाष्यकारं कणादं तथा गौतमं जयमिनिं च प्रणम्य सदा कालिदासाश्च भाषा प्रणम्य सदा कालिदासाश्च भाषा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा अहो वैभवं वर्णनीयं किमस्या शिवोद्वैतरूपोर्चितो यत्र लोकैः शिवोद्वैतरूपोर्चितो यत्र देवैः विभूस्तूयते यत्र मोक्षार्थिभिः सा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा यथा संस्कृतं मैथिलानुत्कलीयां महाराष्ट्रियां शारदां केरलीयां युनक्त्येकसूत्रे तथा नान्यभाषा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा वचः शोधनं संस्कृतेनैव नित्यम् मनः शोधनं संस्कृतेनैव सत्यं विशुद्धैः क्रियायाः इयं पद्धति सा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा भुजङ्गप्रयातैः कृतं यद्धि गानं तदावेश्य चित्ते ब्रुवन्तु प्रसिद्धा कथं वर्तितव्यं यथैवामलासा भवेद् भारते संस्कृतं राष्ट्रभाषा स्वर मंगलायां पूर्वं यदा रचितवान् आसम् तदा स्वर मंगलायां इयं कविता प्रकाशिता जाता स्वर मंगला त्रैमासिकी संस्कृत शोध पत्रिका अंक 3 जुलाई सितंबर 2006 राजस्थान संस्कृत अकादमी 179 रमेश काशी स्वर मंगलायां प्रकाशिता वर्तते राजस्थाने इमाम कवितां बहुषु केन्द्रेषु विद्यास्थानेषु गायन्ति प्रायेण प्रसिद्धिमुपगता वर्तते अपरेयं या वर्तते तस्याः कवितायाः शीर्षकम् अस्ति क्षमा जादव चश्मा ले नैशास्ति चैत्र क्षमा नैशास्ति चैत्र क्षमा एकदा मम मित्रेण उक्तम् चैत्री रात्रि वर्तते चैत्र संबंधिनी कविता रचनीय किंतु चैत्र से यह आनंद स आनंद इदानीं न जनेषु दृश्यते न प्रसिद्धं दृश्यते मम बुद्ध्या कथं
अयम व्यतिक्रमः जातः तायेव जैक्षणः तत्रापि वर्तते काचित् टिप्पणी कथम् इदं जातम् या हि अस्माकं प्रवृत्तिः वर्तते तया प्रवृत्त्या चैत्र मासः कापेन सा प्रवृत्ति तत्र कथनीय चैत्र मासः चैत्र इवन चैत्र इवन काकानामुद्वेजनेन शिथिलम् चैत्रमासे पुंस्कोकिलाः गायन्ति किन्तु इदानीं न गायन्ति यतो हि काकानामाधिक्यं जातम् काकानामुद्वेजनेन शिथिलम् पुंस्कोकिलानामृतम् भीत भीत इवास्त्यहो मृगगणः कौलेयकानां भयात् चेतश्चेतसिना दधाति वनिता प्रीतिं सुशय्यान्विता ब्रूषे तत्कथमद्य गाय कवितां रम्यास्ति चैत्राक्षपा अथवा रम्यान चैत्रक्षपा ठीक है बुझी ना दूसरा नाम्राणां चिर निर्गतापि कविता पानी पी पी के चैत्र को कोशी धीरे धीरे बोलेंगे नाम्राणां चिर निर्गतापि कलिका बघ्नाति नैजं व्रजः तादृं नैव मधुकगुच्छ विषये भृङ्गाङ्गना निर्भरा चतुर्वेदी जी ध्यान दीजिए तादृं नैव मधु आपको नहीं है तादृं नैव मधुकगुच्छ विषये भृङ्गाङ्गना निर्भरा गीतैर्नोद विजते मनो विरहिणी नाम चेतसो निर्गतै गंधो गंधवहेप्यहो न लभते तत्पास्ति चैत्रक्षमा गंधो गंधवहेप्यहो न लभते तत्पास्ति चैत्रक्षमा भारोन्माथ कदर्थितो मधुकरः शूतांकुरस्योत्सवे रत्युन्मीलित लोचनां स्वदयितां नालिंगति प्रांगणे प्रत्युत चर्वित मानसोस्ति करका पातयिक्षतां मंजरीं विक्ष्याहो तदपि स्मरं स्मरसि चेत् कुत्रास्ति चैत्रक्षपा क्वेदानिं वेदानिं मद विभ्रमो दैतयोर् गार्हस्थ्य भारात् प्रभो वेदानिं मद विभ्रमो दैतयोर् गार्हस्थ्य भारात् प्रभो चिंता चर्वित चेतसो युवकयो कुत्रास्ति साधुर्नला रत्युत्कर्ष निवेदिनी च फलता चेन्नास्ति तन्व्यास्तनौ सायं तत्कथमद्य जल्पसि सखे रम्यास्ति चैत्रक्षपां श्रृङ्गारिकम् इदं पद्यं गुरवः क्षन्तव्य गुरवः संक्षिप्तताम् सर समय नहीं है कई कवियों को भी करना है यह कौमार हर है व्यस्य यह कौमार हर है व्यस्य तत्र लिखितं शास्त्रीयम् इदं वर्तते श्रीमन् तत्र लिखितम् चेतः समुत्कण्ठति सर्वाणि कारणानि प्राचीनानि सन्ति तथापि चेतसि समुत्कण्ठनं कुतः तदेव रोधः एव तत्र नवीनं कारणं वर्तते तदेव रोधः कौमारहरसैव हि वरस्ता एव चैत्रक्षपा देचोन्मीलित मालती सुरभया प्रौढा कदम्बा लीला रूपते स्वेष्वपि कारणेषु जगद्भूत तस्याः समु
अंत कंठनम तदरेवा तट वर्तनम जविनव हे दुर्न चैत्र क्षपा। अहमद्वे काशींदु विश्वविद्यालय व्याकरण विभागतः अध्यक्ष व्याकरण विभाग से अध्यक्ष मम परम सुहृद नैक कार्यक्रमेषु संगोष्ठीनां माध्यमेन रचना माध्यमेन तावत् बहुविध कार्यैः संस्कृत वाङ्मयं ये सेवन्ते तादृशाः डॉक्टर भगवत शरण शुक्ल महोदय सांप्रतं मया निवेद्यन्ते यदि मन्त्रं समागत्य तावत् काव्यपाठं संतस्थेभ्यः सर्वेभ्यो नमः। ये सहृदयाः विद्वांसः छात्रस्य पूर्वं मदीया कविता वर्तते गंगा सदा पातुनः तदर्थं चैत्रमासं मधुमास उपलक्ष्य काश्चन कविताः तो हि गंगा विषये साम्प्रतं बहु चलति। श्रीविष्णोः पदनिर्गता भगवती पीयूषनीरावः भक्तापत्ति निवारिणी बुधजनै सेव्या सदा स्नेहदा गंगां भस्सु समुपासकैः सुमनजैः संराधिताया मुहुः शंभो शीर्ष विहारिणी त्रिपथगा गंगा सदा पातु नः। आकाशात् पतिता पुनर्भगवतो रुद्रस्य मौलौ स्थिता नीरं निर्मलचन्द्रकान्तिलसितं संसेव्य देवै जनैः गन्धर्वै किल किन्नरै सुरवरै सङ्गीतकीर्तिः सदा शम्भो शीर्ष विहारिणी त्रिपथका गंगा सदा पातु नः। इयं गंगा पूर्वं कुत्रागता कस्मात् प्रचलति एतस्य वर्णनं वर्तते हालोर्वंश भवो भगीरथ नृपस्वरगा समानीतवान् भूमौ दिव्य तपस्यया सुरधुनीं ब्रह्मद्रवां कामदाम् या दैलीप सुचित्त चित्रिततनु पूज्या च भक्तैर्नरैः गंगोत्रिस्थल निर्गता त्रिपथगा गंगा सदा पातु नः। या दैलीप सुभक्तिपूर्ण हृदये संतिष्ठते सर्वदा या पापानपहन्ति पुण्यसलिला पुत्री कृता जह्नुना सा कालुष्य निवारणी हिमिव तो देशाद् वहन्ती शुभा गंगा द्वार समागता भगवती गंगा सदा पातु नः। सर्वत्र सुलभा गंगे त्रिस्थाने सुदृढ़वा गंगा द्वारे प्रयागे तथा सागर संगमे तस्य विषये लिखितं वर्तते। या दैलीप सुदर्शिते पथि तदा वै दारुणे गामिनी भक्तग्राम विहारिणी पथि गिरीं संदारयन्ति शिलाः तीरे तीर्थ समुद्र साधन परा तीर्थे तीर समूह साधन परा पापापहन्त्री धुनी तीर्थानाम अधिपे विराजित तनुः गंगा सदा पातु नः। इयं गंगा विंध्याचलेऽपि वर्तते श्री विद्या विंध्याचलवासिनी भगवती कृष्णानुजा भक्तपा नित्यं भक्त समूह वारण परा देवी कृपा वर्षिणी भक्तानामख पुञ्जदाहन परा गंगा प्रिया कीर्तिता श्री विंध्याचल धाम पावन करी गंगा सदा पातु नः। विद्या भूति विभूषितो हि सततम् श्री विश्वनाथः सदा भगवान विश्वनाथस्य विभूति तत्र भस्म नास्ति अपि तु विद्या हि वर्तते। विद्या भूति विभूषितो हि सततम् श्री विश्वनाथः सदा यस्यांगे सुविराजते भगवती हैमी सुदिव्यांबरा पार्श्वे नन्दि सुभुण्डि भैरवगणा सन्त्येव काश्यां मुदा शंभो भाल विभूषिता त्रिपथगा गंगा सदा पातु नः। पुनः संधो संग तत्र
नाना स्थान विशेष पावन परा दिव्यैर् जलैर् जाह्नवी भूमेस्तत्व विधायिनी कृषि पराया देव कल्लोलिनी पुण्यैः पावन मानवैः प्रतिदिनं संसेविता सा सरि सिंधो संगमुपेत्य कीर्ति धवला गंगा सदा पातु नः चत्वारि पद्यानि सन्ति मधुवासस्कृते तत्र सुपर्वणि मंगल मंगल कामनेय मधुरिमा मधुमास गतशुभो मधुपलग्न मधुकतरो सुमं ददतु चूततरो किल मंजरी मधुरमास सुपर्वणि मंगलम मधुर राग सुपूजित कोकिले मधुपलग्न सरोज सुशोभिते सरसिकूत जलैर्धि विराजते भवतु मास मधुशुभदायक सुरभि पूरित पुष्प युता द्रुमा सुरभि पूरित पुष्प युता द्रुमा ललित वस्त्र सुशोभित नायिकाः कलित काम कला किल राजिता ददतु नः सततम् नव मंगलम् नव पलाश सुमै किल रंजितम् सुरभि चूत सुमैर नलु पूरितम् किसलयै सुनवै बहुशोभितम् गंगा महत्वमधिकृतं काव्यं अत्यंतं संतोषाय महते हर्षाय च कल्पते इव सोहं काव्यं सांप्रतं मया किम् अहं मध्ये किञ्चित् गतार्थो भवामि अहं परित्यजामि काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य यथा मया पूर्वं प्रोक्तं काशीमधिकृत्य एवं च संस्कृत वाङ्मयमधिकृत्य अन्ताराष्ट्रीय संगोष्ठ्या यही तावत् पूर्वम् आयोजिताः एवं सर्वदा कवि सम्मेलनानि आयोजयन्ति अत्यन्तं मधुरां गीतिं प्रस्तुवन्ति एतादृशाः प्रशस्ताः कवयः साहित्यविभागाध्यक्षाः संस्कृतविद्यापीठ विज्ञानसंकायस्य आचार्याः कौशलेन्द्रपाण्डे महाभागाः गीतिं प्रस्तोष्यन्ति एवं च निजं निजाभिमतं काव्यमपि तावत् प्रस्तोष्यन्ति सम्माननीय कुलपतिः श्रद्धेय गुरुवर्य आचार्य उपाध्यायः आदरणीय द्विवेदी विद्वज्जन सभा में उपस्थित विद्वज्जन प्रिय छात्र हिंदी आप लोग समझते हैं हिंदी अधिक समझते हैं या संस्कृत एक गीत की विधा है गजल सभी जानते होंगे संस्कृत में भी गजल लिखे जा रहे हैं और खूब लिखे जा रहे हैं गजल की विशेषता ये होती है कि इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण बातों को कम से कम शब्दों में कह दिया जाता है जिसे कि हम व्यंग्य के रूप में भी लेते हैं ठीक है और आपके भीतर जो मन में चल रहा है उसको भी आप इसमें कह देते हैं दो चार इसकी जो पंक्तियां हो आपको सुना के और एक छोटा सा गीत सुना देना अभी जो वर्तमान में चल रहा है हमारी निष्ठा कैसे बदलती है हम कब किसके प्रति विनम्र हो जाते हैं कब किसके प्रति विरोध करने लगते हैं यदा बोधो भवत श्रीमान अयम ना ना मनुष्य जब ये पता लगा कि ये व्यक्ति अचानक बहुत बड़ा आदमी हो गया है तो हमारी निष्ठा कैसे उसके प्रति बढ़ जाती है तो यदा बोधो भवत श्रीमान 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 अयम नाधीवरः कश्चित् तदा भक्तायते चेतः अहो भक्तिर् नवीने स्वपापैरेव हिंस्रः हन्यते स्वपापैरेव हिंस्रः हन्यते पुत्रा बिनो साधु अपने पाप से ही हिंसक मारा जाता है सज्जन
सुरक्षित रहता है। इसी से सधैर्यम पाल्यताम धर्मः सताम गीति प्रसिद्धेयम्, भगवान बुद्ध का भी यही उपदेश है। विपद काले समुत्पन्ने विपन्ने जीवने गर्ते, चाहे जितनी विपत्ति आ जाए, चाहे जितने गहराई में हम चले जाए, विपद काले समुत्पन्ने विपन्ने जीवने गर्ते स्थिरः धीरः तरेत सर्वम मतिर प्रेयान शोच्येयम्, उस समय स्थिरता से रहना चाहिए और यही विद्वानों के द्वारा कही गई बुद्धि है, इसमें कोई संदेह नहीं करना चाहिए। और भी है, अब एक और सुना देते हैं इसमें से। पदम रूपम बलम वित्तम, पदम रूपम बलम वित्तम च लोको यम नमस्कुरते, संसार कहां झुकता है। पदम रूपम बलम वित्तम च लोको यम नमस्कुरते अतः नाट्यायते चेतः अहो वीथि विचित्रे। जहां देखते हैं बल है वहां झुक जाते हैं, ये जीवन का बड़ा विचित्र रास्ता है। एक और गजल है, चार लाइन की कीजिए, सुना देते हैं। ये हिंदी में अगर कहें तो दिल कैसे कैसे टूटता है, क्या ना, तो दिल कैसे कैसे टूटता है। और वो वाला घर का मत लीजिएगा, ये जो सामाजिक जीवन में कैसे विश्वास टूटते हैं, दिल टूटना मतलब विश्वास टूटना। सखे किंचिद मनो में लोक तो वाप्तैः शुभैर्भग्नम्, दुनिया के लोगों ने मेरा इतना उपकार किया कि मेरा मन ही टूट गया। सखे किंचिन मनो में लोक तो वाप्तैः शुभैर्भग्नम् तथा किंचित च देवोत्थापितैर्भाग्यैर्भृशं भग्नम्, बचा कुचा जो था वो ऊपर वाले ने पूरा कर दिया। मया यच्चिन्तितं सूर्यः तमोहारी समायातः, मया यच्चिन्तितं सूर्यः तमोहारी समायातः समायातेन तेनापि पुनर्मे मानसं भग्नम्। मैंने सोचा था कि सूर्य उगेगा तो अंधेरा दूर हो जाएगा, लेकिन उसने आगे तो और अंधेरा फैला। कुकुले दग्धभूतम हृत् परम भूमस्य नो रेखा, जो आग तापते हैं ना सिगड़ी, उसे बोलते हैं कुकुल। उसमें धुआं नहीं दिखाई देती है, दिखाई देता लेकिन चीजें उसमें जल जाती हैं। तो कुकुले दग्धभूतम हृत् परम भूमस्य नो रेखा अनेन प्रीति सारेणापि, ये जो घरा प्रेम था इस तरह का, तो अनेन प्रीति सारेणा वितन्मे हृत् दृढं भग्नम्। मदीयोऽप्यस्ति कश्चिद् यः मदर्थे कल्पते सर्वम्, मेरा भी कोई है जो मेरे लिए सब कुछ करता रहता है, ऐसा जो मेरा विश्वास था ये जब टूटा तो मेरा मन भी और टूटा। मदीयोऽप्यस्ति कश्चिद् यः मदर्थे कल्पते सर्वम् अनेन प्रत्ययेनैव शिष्टं मे मनोभग्नम्। अंतिमं तावत् मयि तस्यास्ति तस्मिन्मे परा प्रीतिः समुद्भूता, मेरी उनमें और उनकी मेरे में बड़ा प्रेम है, लेकिन जब परिणाम सामने आया तो कुछ का कुछ। तो मयि तस्यास्ति तस्मिन्मे परा प्रीतिः समुद्भूता अनेन असत् प्रकारेणापि, ये असत् का एक प्रकार था, अनेन असत् प्रकारेणापि पूर्णं मे मनोभग्नम्। इव मधुरया दीपया गीतया तावत् सर्वे आप्यायिताः, इव शोभना इति भवद्भिः प्रस्तुता पाण्डे महोदयैः, मया बहुशः अनेकेषु तावत् मञ्चेषु एतेषां गीतया श्रुताः, अतः परं मया मञ्चस्थविद्वत्सु तावत् आचार्याः गुरुवर्या रघुनाथ द्विवेदी महोदयाः सादरं निवेद्यन्ते, यत् ते काव्यपाठेन
अर्थसख्यान प्रसादयन् द्विविधि महोदया वंदे लंबोदरम नित्यम एक दंतम गजाननम यो ददाति शुभम हास्यम सर्वेभ्यो मोद निर्भरम कथमास्यम बिना हास्यम बिना हास्य के मुंह कैसा कथमास्यम बिना हास्यम हास्यम बिना न जीवनम हास्यहीना नरा लोके केवलम पशव स्मृता जो हंसता नहीं वो पशु नहीं हंसते। इस कवि सम्मेलन के सम्मान्य अध्यक्ष आचार्य गोखले जी मंच पर विराजमान मेरे अत्यंत श्रद्धेय महाकवि आशु कवि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व प्रतिकुलपति साहित्य विभागाध्यक्ष और न जाने क्या क्या कितने पुरस्कार समर्जित किए ऐसे मेरे अत्यंत श्रद्धेय आचार्य उपाध्याय जी उनके पार्श्व में विराजमान संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के युवा कुलपति प्रोफेसर दुबे जी संचालक हमारे अत्यंत प्रिय डॉक्टर चतुर्वेदी जी कवियों में जिनको आपने अभी सुना ऐसे हमारे सुरेंद्रवर्य प्रोफेसर कौशलेंद्र पांडे जी आचार्य चतुर्वेदी जी अभी अभी कविता सुनाकर चले गए आचार्य शुक्ल जी हम लोगों के मध्य शब्द विद्या संकाय के और हिंदी के बड़े प्रतिष्ठित लेखक और विद्वान जिनको अभी मध्य प्रदेश शासन ने उनके उपन्यास पर पुरस्कृत किया है ऐसे हमारे अत्यंत प्रिय सुहृद प्रोफेसर बाबूराम त्रिपाठी जी हमारे मध्य बैठे हुए आचार्य रामजी सिंह जी चौबे जी और कहाँ गए भार्गव जी इत्यादि और प्रिय छात्र छात्राओं चूंकि समय कम है हम लोग भी सुना के खिसकने वाले इसलिए चतुर्वेदी जी को हमने कह दिया था भैया 5 बजे हम लोगों को छोड़ दीजिएगा बहुत जरूरी अब 2-3 जगह जाना है कुछ ऐसा संयोग बना कि इनकी तिथि और समय भी उसी से लड़ गया लेकिन चूंकि प्रतिश्रुति थी इसलिए आना पड़ा तो सर्वप्रथम मैं उन अपने छोटे भाई बहनों को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ जिन्होंने प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के पुरस्कार प्राप्त किया है भविष्य में भी वो इसी प्रकार पुरस्कार प्राप्त करते रहें मेरी शुभकामना है क्योंकि वो जो प्रसाद का वितरण होता है वो कथा के अंत में होता है पहले प्रसाद दे दिया जाए तो कथा सुनने वाले खिसक जाते हैं तो इसलिए प्रसाद वितरण अंत में होगा और मंचस्थ अध्यक्ष जी रहेंगे हमारे श्रद्धेय गुरु जी उपाध्याय जी रहेंगे अरे नहीं मैं काव्य सुना चूंकि मैंने मंगलाचरण हास्य से किया इसलिए हास्य के 2-3 पद्य मैं सुना रहा हूँ सभा सभा की दृशी भवति सभायाः के भेदाः सन्ति अवकाश्याम की दृशी सभा सौभद्ये इत्यस्मिन् विषये कानिचित् पद्यानि सभा सैवोत्तमा प्रोक्ता सभा सा एव उत्तमा सभा सैवोत्तमा प्रोक्ता यातु नायोजिता क्वचित् सभा सैवोत्तमा प्रोक्ता यातु नायोजिता क्वचित् वार्ता पत्रैः सदा वृत्तम् यस्या विन्दन्ति सज्जना अखबार में छप जाता है सभा हुई सा सभा मध्यमा प्रोक्ता सा सभा मध्यमा प्रोक्ता यस्याम श्रोता न दृश्यते सा सभा मध्यमा प्रोक्ता यस्याम श्रोता न दृश्यते वक्त्रीणाम केवलम तत्र भारैर मंचो विलीयते वक्त्रसंख्यामतिक्रम्य श्रोतृसंख्या विराजते यस्याम स्थिराश्च श्रोतारः सा सभा यधमा स्मृता जहाँ श्रोता अधिक हो वो अधम सभा है
काश्याम की ऋषि सभा दक्षिणा दीयते नैव यत्र सभा प्रयोजकैः, दक्षिणा दीयते नैव यत्र सभा प्रयोजकैः सा सभा गर्हिता ख्याता, सा सभा गर्हिता ख्याता काशीपुर्याम विशेषता। नेतारः कीदृशा भवन्ति? यस्य स्वरूप मालोच्य नेति नेतीति नेति च, यस्य स्वरूप मालोच्य नेति नेतीति नेति च कथयन्ति जना नित्यं सर्वै नेता विधीयते। वाणीत्विक निभाजस्य धूर्तध्वांक्ष समं मनः वस्तुतः सैव नेता यत् वृत्तिर्वक् विडालयो। प्रजानां दुःखतप्तानां यस्य मित्राश्रु इन्दवः शोषणाय प्रवर्तन्ते स नेता तात्विको मतः। प्रजानां दुःखतप्तानां यस्य मित्राश्रु इन्दवः शोषणाय प्रवर्तन्ते स नेता तात्विको मतः। सौहार्द सद्भाव दया विहीनो सासु सदा निलीनः जनम तु खादन नहि याति तृप्तिं नेता असलोकः प्रतितः कुलीनः। समय कम है इसलिए मैं संक्षेप कर रहा हूं क्योंकि मुझे भी तो चुरा है। जैसे यहां काशी में महामना मालवीय जी के द्वारा काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, वैसे ही बंगाल प्रांत के शांति निकेतन में विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने साहित्य में गीतांजलि के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार जीता था, उनके द्वारा एक विश्वविद्यालय की स्थापना की गई और उसका नाम है विश्व भारती। मैं कुछ दिनों पूर्व वहां विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में था तो विश्व भारती के जो कुलपति महोदय थे उन्होंने मुझसे मिलने की इच्छा व्यक्त की, तो मैंने सोचा कि अब इनको मैं क्या दूं, क्या लेकर जाऊं, रिक्त हस्त तो बड़े लोगों को मिलना नहीं चाहिए। तो मैंने, मुझे शाम को सूचना मिली थी अगले दिन मिलना था, तो कुछ हाइकु छंद बनाए विश्व भारती के संबंध में। हाइकु छंद जापानी छंद है, बहुत छोटा, अपनी गायत्री छंद से भी छोटा छंद है। कुल 17 वर्ण होते हैं, 5, 7, 5 तीन पाद होते हैं, 5 वर्ण पहले पाद में, दूसरे में 7 और तीसरे में 5। कुछ छंद मैं सुना रहा हूँ, 21 छंद हैं। अजरामरा कवींद्र कीर्ति कथा विश्व भारती, अजरामरा कवींद्र कीर्ति कथा विश्व भारती। शांति निकेते विश्व कवि लालिता विश्व भारती, शांति निकेते विश्व कवि लालिता विश्व भारती। प्राची दिग भागे फुल्लार विंदमिव विश्व भारती, किमपि काव्यं मूर्तमेव भासते विश्व भारती। मधुरचित पदा कवि कल्पना मधुरचित पदा विश्व भारती। लोके प्रतिता सुमनः सुमूर्चिता विश्व भारती इत्यम। नमस्कार। एक गीति यदि काशी हिंदू विश्वविद्यालय कला संकायांतर्गत संस्कृत विभागता समायाता अनुसंधात्री तत्रत्या साही सुहा श्रीवास्तव एकां गीतिं प्रस्तोष्यति श्रीवास्तव। श्यामला जने जने मुदावला घनावली समागता धुना, सखी श्यामला जने जने मुदावहा घनावली समागता धुना। पादपेषु पल्लवेषु कुच्चवल्लरी वनेषु, पादपेषु पल्लवेषु कुच्चवल्लरी वनेषु, भूतलेखिलेऽभिरामतामिति घनावली समागता धुना। सखी श्यामला जने जने मुदावहा घनावली समागता धुना।
मंद मंद मारुतेन कुच्चि कोकिलारुतेन मंद मंद मारुतेन मंजु कोकिलारुतेन शीत 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 शीकरेण सर्वलोक हर्षदा खनावली समागता धुना सखी श्यामला जन जने मुदा वहा खनावली समागता धुना मत्त बर्हिणेषु वनेषु मत्त पक्षिणो द्रुमेषु मत्त बर्हिणो वनेषु मत्त पक्षिणो द्रुमेषु मुग्ध बालका प्रफुल्लिता गृहे गृहे घनावली समागता धुना सखी श्यामला जने मुदा वहा घनावली समागता धुना। संस्कृतं भाष्यमाणं संस्कृतं भाष्यमाणं यदा जनजने संस्कृतं भाष्यमाणं यदा जनजने दृश्यतां तत्प्रयासस्तथा साध्यतां दृश्यतां तत्प्रयासस्तथा साध्यतां भारतीयां समग्रां शुभां संस्कृतिं भारतीयां समग्रां शुभां संस्कृतिं यत् पुरावृत्त भूगोल शास्त्रादिकं यत् पुरावृत्त भूगोल शास्त्रादिकं ज्योतिषं ज्योतिषं वेद वेदांग काव्यादिकं ज्योतिषं वेद वेदांग काव्यादिकं तद्दधत् संस्कृतम् तद्दधत् संस्कृतं पठ्यतां गीयतां तद्दधत् संस्कृतं पठ्यतां गीयतां ज्ञान विज्ञानदं संस्कृतं शब्ददं ज्ञान विज्ञानदं संस्कृतं शब्ददं सर्वपाठ्यक्रमेणो निविष्टं कथं सर्वत्र शिक्षा पाठ्यक्रम सर्वपाठ्यक्रमेणो निविष्टं कथं पाठ्यते नानिवार्यम् पाठ्यते नानिवार्यं न वा शिक्षते आरोपी आरोपा पाठ्यते नानिवार्यं न वा शिक्षते भाजपा शासने तद्धिनोपेक्षताम् भाजपा शासने तद्धिनोपेक्षताम् न्याय निर्णायकै शीर्ष नित्यालये इति कथेन उच्च न्यायालये न्याय निर्णायकै शीर्ष नित्यालये संस्कृतं घोषितं शिक्षणे पोषितं संस्कृतं घोषितं शिक्षणे पोषितं जर्मनी शिक्षते अभी विवाद आया था आपको पता होगा जर्मनी शिक्षते संस्कृतं हीयते जर्मनी शिक्षते संस्कृतं हीयते यत् पुनर्घोषितं यत् पुनर्घोषितं संस्कृतं राजताम् यत् पुनर्घोषितं संस्कृतं राजताम् संस्कृतं भाष्यमाणं यदा जनजने दृश्यतां तत्प्रयासस्तथा साध्यताम् केन्द्रीय शिक्षणे संस्कृतं यद्दिनं केन्द्रीय शिक्षणे संस्कृतं यद्दिनं स्मृतिर्मन्त्रणी पर्व साप्ताहिकं स्मृति ईरानी स्मृतिर्मन्त्रिणी मन्त्रिणी अस्ति न मानव संसाधन स्मृतिर्मन्त्रिणी पर्व साप्ताहिकं तमिलैस्तद्विरोधः तमिलनाडु तमिलैस्तद्विरोधः कृतो ललितया जयललिता तमिलैस्तद्विरोधो विरोधः कृतो ललितया संस्कृतैर्न संस्कृतज्ञैर्न किम् संस्कृतज्ञैर्न किं तमिलो निन्द्यताम् संस्कृतज्ञैर्न किं तमिलो तमिलो तमिलनाडु तमिलो निन्द्यताम् संस्कृतं भाष्यमाणं यदा जनजने दृश्यतां तत्प्रयासस्तथा साध्यताम् संस्कृतं सर्वभाषा प्रधानं मतम् संस्कृतं सर्वभाषा प्रधानं मतम् मातृभाषा पदे राजते कीर्तितम् मातृभाषा पदे राजते कीर्तितम् भूरि साहित्य संपत् समृद्धं न किम् भूरि साहित्य संपत् समृद्धं न किम् भारतं वर्धयत् संस्कृतं वर्धयत् भारतं भारतं वर्धयत् संस्कृतं गीयताम् भारतं वर्धयत् संस्कृतं गीयताम् गांधिना गांधिना नेहरू मालवीयादिभिः
गांधी नाने रूमालवी यादिभिः संस्कृतम् संस्कृतम् वैदिकम् लौकिकम् संस्कृतम् संस्कृतम् वैदिकम् लौकिकम् कीथ जोन्स आदि फिर यैश्च वैदेशिकैः सेवितं वेद वचनामृतं पीयताम् सेवितं वेद वचनामृतं पीयताम् कष्टमेतत् सनातनमिदं संस्कृतम् कष्टमेतत् सनातनमिदं संस्कृतम् तत्यजन् छात्रवर्गोऽत्र सन्दृश्यते छात्रा अल्पियां तत्यजन् छात्रवर्गोऽत्र सन्दृश्यते आंग्ल विज्ञान शिक्षा लये भूरिशा आंग्ल विज्ञान शिक्षा लये भूरिशा संस्कृत छात्र संख्यापि संवर्धताम् संस्कृत छात्र संख्यापि संवर्धताम् संस्कृतम् भाष्यमानम् यथा जनजने दृश्यताम् तत्प्रयासः तथा साध्यताम् छोटा हमने बोला कहिए तो कुछ पद भी भ्रष्टाचार पर सुना दे कुछ अधुना अहम गुरुवर्यान् उपाध्याय महाभागान् सम्प्रार्थये यत्ते मधुर काव्य रसामृतेन तावत् अस्मान् सर्वान् सभ्यान् संतर्पयन्तु आचार्याः गुरुवर्याः उपाध्याय महाशयाः परम सम्मान्य इस प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली संस्कृत संगोष्ठी के अध्यक्ष जी हमारे विश्वविद्यालय के हम लोगों के अत्यंत प्रिय घनिष्ठ कुलपति जिनकी निष्ठा संस्कृत में संस्कृति में साहित्य में और अनेक संस्कृत जगत के समुन्नयन में प्रारंभ से ही ख्यात रही है सब उससे वंचित हमारे परम प्रिय अनुज प्रोफेसर प्रभुनाथ द्विवेदी जी जो संस्कृत समृद्धि में बद्ध परिकर होकर लगे हमारे समक्ष उपस्थित प्रोफेसर कौशलेंद्र जी चतुर्वेदी जी डॉक्टर और जो उपस्थित है मैं नामक ग्रह सबको कहूंगा तो बहुत समर्पित होगा सबको ही अपनी शुभाकांक्षा व्यक्त करके इस सभा के धुरंधर संचालक ऐसा संचालक तो दुर्लभ होता है जैसा संचालन करते हैं बड़े ओजस्वी ढंग से आजकल सृष्टि में आकर के हम आनंद का अनुभव किया और क्योंकि हमको हम लोगों को एक कार्यक्रम में आने तक जाना है वहां भी 5:30 बजे तक पहुंचना है इसलिए त्वरा है नहीं तो यह सब कबूठी चलती रहे इसमें बैठे रहे आनंद का अनुभव करते रहे आंतरिक इच्छा ही होती है और प्रतिवर्ष आते हैं तो ही होता अभी एक घंटे की और चला सकते छात्रों को इसलिए हमें टीवी पर दुबार मैं विशेष वक्तव्य देने की अपेक्षा यहाँ है भी नहीं मैं चाहता नहीं क्योंकि संस्कृत के प्रति जो एक प्रकार से ऐसी भावना है कि संस्कृत का ह्रास हो रहा है संस्कृत की क्षति हो रही है और तो हमारे मन में यह बात नहीं है अगर हमारी यह अमरवाणी है तो अमरवाणी का ह्रास कैसे होगा ये हमेशा से प्राचीनतम काल से सृष्टि के काल से आज तक निरंतर
इसकी प्रतिष्ठा है और इससे संपूर्ण भाषा शब्दों का ग्रहण करके पुष्ट होती है, भाव का ग्रहण करके, शब्द का ग्रहण करके, अर्थ का ग्रहण करके। हमारे जो वेद शास्त्र आदि हैं उससे उपनिषद क्या जितना वेदांत है, जितना दर्शन है, उस सभी दर्शनों से, सभी संस्कृत के साहित्य से, संपूर्ण विश्व का साहित्य प्राचीन काल से लेकर के आज तक अनुप्राणित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। तो पूरे विश्व में आज भी अगर किसी भाषा का सम्मान है, प्रतिष्ठा है, तो संस्कृत का। आज हमारे संस्कृत, मान लीजिए भाषा से कोई दूर भी है तो भी संस्कृत का ज्ञान, विज्ञान, दर्शन तो सर्वत्र अपने प्रभाव को स्थापित करता है। हमारा जो अध्यात्म ज्ञान है, हमारी जो योग विद्या है, हमारी जो साधना पद्धति है, वह संपूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शन आज भी कर रहा है, जैसा प्राचीन काल में करता था। अब तो अध्यात्म और योग विद्या की ऐसी धारणा विश्व वैज्ञानिकों की भी हो रही है, जो ये मानते हैं कि इसी के द्वारा विश्व के अस्तित्व की सुरक्षा है। जिस दिन हमारा अध्यात्म ज्ञान, योग विद्या, हमारी साधना विश्व को के अस्तित्व के रक्षा के तत्व उन्मुख नहीं होगी, उस दिन विश्व के अस्तित्व में संकट। तो हम कहीं से भी, भाषा के स्तर से भी, जब भी कभी संस्कृत रही है तो इसी तरह से अमरवाणी रही है, इसी तरह से विद्वानों के बीच में इसकी प्रतिष्ठा रही और उसके ज्ञान विज्ञान दर्शन से संपूर्ण लोक, संपूर्ण विश्व लाभान्वित होता रहा। अतः संस्कृत प्रपत निराशा का कोई कारण, कोई हेतु नहीं। अस्त मैं दो तीन पद, जब मैं उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में पढ़ रहा था तो उस समय हमारी अध्यात्म चेतना को ज्यादा विकसित हुई और भगवती का मैं 9 दिन का नवरात्र व्रत रहता था और बहुत दिनों के बाद संस्कृत पढ़ने की इच्छा हुई। उसके पूर्व तो मैं कुछ पढ़ा हुआ नहीं था खास, तो संस्कृत पढ़ने के लिए जब पहली बात एक वर्ष में ही हमको संस्कृत में हमारा अच्छा प्रवेश हो, तो पूर्व मध्यमा दोनों वर्ष हमने पास किया। उस समय दोनों खर्च वर्ष देने की व्यवस्था थी। उसके बाद उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में, पूर्व मध्यमा से ही विशेष करके उत्तर मध्यमा प्रथम वर्ष में हमको संस्कृत में कवित्व, कविता करने का शौक हुआ और खूब अच्छी अच्छी रचनाएं होने लगी और हमारे गुरुदेव उसकी बड़ी प्रशस्ति, बड़ी प्रशंसा करते थे, हर रात रोकथाम करते थे उससे। और हमको नवरात्र जब आया तो हमने श्री विंध्येश्वरी स्तव की रचना, इसमें 52 पद, उसमें गंगा लहरी का भी प्रभाव, तो उसी में से मैं 2-3 पद्यों को सुना रहा हूँ। भगवती से एक याचना है और भगवती कितनी दयालु है तो उससे मैं याचना कर रहा हूँ। और जो देवता गण है तो अनेक प्रकार से उनकी सेवा शुश्रूषा आराधना करने पर, लेकिन भगवती तो एकमात्र ऐसी देवी है कि वो केवल पुत्र को दुखी देख करके अपने शरण में पाकर के ही उसके ऊपर प्रसन्न हो। समय देवा एवा नवरत सुसेवा परवशा, हमारी बाल रचना ही है। समय देवा एवा नवरत सुसेवा परवशा प्रवासा तीर्थौघा मल मल मपा कर तुम परे परम पापा पाराम बुनिधिपति तो धारण विधव परम पापा पाराम बुनिधिपति तो धारण विधव त्वमेका कल्याणी प्रभवसि सकृन् नामरटनव नितान्त ध्वान्तघ्नि अति तपन ताप प्रचुरते ततम तेजस तेस्मिन त्रिभुवन तले कीर्तिलं।
दो तीन दूसरा अभी छोड़ दे रहे हैं। अंत में याचना है, वो याचना इंतजार पद के हित में है। श्यामे सुभाषमि हिमालये नहे, श्यामे सुभाषमि हिमालये नहे पंचाननासन निवासिनि चारुशीले भक्तार्तिहारिणि सितांबर धारणे त्वं तद्देहि यत्तव सुतो हवथानु याचे याचे शिवेन गजवादि नरेन्द्र राज्यम प्राज्यम धनन्न खलु तत्पुरुषार्थभ्यम। याचे शिवेन गजवाद नरेन्द्र राज्यम प्राज्यम धनन्न खलु तत्पुरुषार्थभ्यम विद्यायासिनी दयाम यदि मे हि दद्याल लक्षे हमाशु जननि स्वयमात्म सर्वम् पुत्रा भवेयु रघराशि समन्विताश्चेन् पुत्रा भवेयु रघराशि समन्विताश्चेन् मातस्तथापि नहि ते समुपेक्षणीया न त्वं दयामयि ददासि दया तु मे किं नन्दा तवैव भुवने। अस्मात् परान किल काप कृपा मैया, अस्मात् परान किल काप कृपा मैया स्वांतस्थले वससि वेत्सि मनोविकल्पन आकर्ण्य वर्ण विकलार भगवाक् प्रणाली तत्त्वं कले वरवरे कुरुचेत्य। और अंत में एक देवी से दुराग्रह, और दुराग्रह ऐसा कि तुम हमसे अगर रूठ जाओगी नाराज हो जाओगी तब तो हमारा बहुत कुछ पालित हो रहा हो पालित हो रहा हो, और वह यदि माँ के दूध को नाराज होकर पीना छोड़ दे तो आप कल्पना करिए कि माता को कितनी असह्य वेदना होगी। इसी आशय का पद मैं आपको सुना रहा हूँ, ये शिखरणी है। यदि त्वं रुष्टा स्याह, यदि त्वं रुष्टा स्याह स्यो तदहमप्यम्ब झटिति यदा रुष्टो रोदिम यथ तव पुरश्चञ्चल शिशु। यदि त्वं रुष्टा स्याह स्यो तदहमप्यम्ब झटिति यदा रुष्टो रोदिम यथ तव पुरश्चञ्चल शिशु स्तनाभ्याम आभ्याम ते श्रवदपि न पास्यामि सुभया, स्तनाभ्याम आभ्याम ते श्रवदपि न पास्यामि सुपया तदा ब्रूहि क्लेशं त्वमपि जननि प्राप्स्यति। सुवर्ण पुष्पस्तवकाचितानां, सुवर्ण पुष्पस्तवकाचितानां, सुवर्ण पुष्पस्तवकाचितानां सुपुष्पितानां कवितारतानां प्रबंध कुंजे कलपूजितानां जयंती वाचः कविकोकिलानां। अतः परम अहम मुख्यातिथि महोदयान् संप्रार्थये यत् ते सुहासीर्वचो हि अस्माकं छात्रान् तथा प्रोत्साहयन्तु, एते तावत् सर्वदा पठन्तु, वयमपि अनुग्राह्याः आचार्याः कुलपतयः सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य यदुनाथ दुबे महाभागाः। मञ्चस्थ परमादरणीय गुरुवर्य प्रोफेसर उपाध्याय जी, दाई ओर प्रोफेसर गोखले जी, अग्रज प्रोफेसर द्विवेदी जी और मेरे प्रिय प्रोफेसर चतुर्वेदी जी और सभागार में बैठे हुए मेरे कवि समुदाय और प्रिय छात्रों और छात्राओं, मैं अतीव प्रसन्न हूँ। और कारण है पंचवर्ष प्रवास का, आज मैं अपने उन मित्रों को सुन रहा हूं
जिसको भारत के अनेक मंचों पर सुना हूं। मेरे 5 वर्ष वनवास के रूप में रहे, विश्वविद्यालय में ही पढ़े रहे और कहीं मैं विश्वविद्यालय के अतिरिक्त किसी मंच की ओर, चाहे वो वाराणसी हो या कहीं भी हो। मैं प्रोफेसर चतुर्वेदी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने जो कर्ण कुहर प्यासे रह गए थे मेरे, आज प्रोफेसर चतुर्वेदी जी ने उन गीत लहरियों के माध्यम से मुझे पुनः आप यदि मैं संस्कृत की ही सेवा कर रहा था, ऐसा समय था मेरे विश्वविद्यालय का जिसमें सारी स्थितियां विस्थापित हो चुकी थी, उसकी पूर्ण रूप में भरपाई करने के लिए मैं वहां एक व्रत होकर के 5 वर्ष तक संन्यास के रूप में, सन्यासी के रूप में पढ़ा। और आज जब मुझे स्मरण करते हैं, चाहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे महात्मा गांधी विद्यापीठ हो, सारनाथ विश्वविद्यालय हो या कहीं, मैं ढूंढता रहता हूं मित्रों की उन यादों को, उन गीतों को, उन बातों को। और ये सौभाग्य रहा कि आज काफी मित्रों के उन गीतों से आप्यायित हुआ, ये सबसे बड़ा मेरा अभिलाप हुआ। और आप जैसे विद्यार्थियों की बड़ी तन्मयता के साथ और सावधान मन से हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो या भूत भाषा हो, सबके ज्ञाता आप जैसे प्रतीत हो रहे हैं। ऐसा सर्वत्र नहीं दिखाई पड़ता है। हमारे यहाँ भी बौद्ध दर्शन है, पाली भाषा है, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में भूत भाषी छात्र हिंदी या अन्य भाषा को समझने में सावधान नहीं कि, तो आज मैं देख रहा हूँ कि बच्चे हर भाषा को समझने के लिए सचेष्ट है। ये बहुत ही प्रशंसा की बात है। ऐसे छात्रों को और छात्राओं को मैं हृदय से आशीर्वाद देता हूं कि भारत की कोई भी भाषा आप उसको पल्लवन और पुष्पवन के रूप में और एक जिज्ञास विद्यार्थी के रूप में उसका अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए भी साधुवाद देता हूं। और पुनः मैं इस संस्था का आभारी हूं कि आज यहां पर मुझे अंगवस्त्रम और माल्यार्पण के द्वारा जो सम्मान किया गया, इसके लिए संस्था के माननीय कुलपत जी, माननीय गोखले जी, प्रोफेसर त्रिपाठी जी और प्रोफेसर रामजी सिंह जी को भी धन्यवाद देता हूँ कि आज अवसर दिया कि फिर से मैं समाज में एक सामाजिक के रूप में विचरण कर रहा हूँ। और बाबा विश्वनाथ और माँ अन्नपूर्णा से यही इच्छा करता हूँ कि इसी तरह से मैं आप लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप इन सभाओं में आता रहूँ। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। कुलपति महोदया नाम आप आशीर्वचन से गृहीत्वा सर्वे छात्रा अत्र आह्लादम अनुभवन्ति भवन्तः। अहम तो कथयामि मध्ये कदाचित् समयं यतो हि भवतां एते शिष्याः सन्ति, एते अनुग्राह्याः भवद्भिः यथाकालं समागत्य द्रष्टव्या एतेषाम् अध्ययनम् अध्ययनादिकं च द्रष्टव्यं येन एते तावत् संस्कृतविषये अग्रे पीयुं तावत् कृतगत्या कार्यरताः स्युः संस्कृतं विकासयेयुश्च एते छात्राः। अतः तं याः प्रतियोगिताः मया अत्र आयोजिताः तासां पुरस्कार वितरणार्थं अत्र लोसन् नेगी। हाँ जी जी, बस अल्पम, बस लोसन् नेगी आइया बाद प्रतियोगिता, आई बाद प्रतियोगितायाम अयम प्रथमः।
बौद्ध धर्म भ्रष्टाचारो निवारयितुं शक्यते न वा इति विषयमधिकृत्य अनेन प्रथमा पुरस्कारः तावत् प्राप्तः वर्तते तर्हि नेगी पुरस्कारं गृह्णातु प्रमाणपत्रं च काफी बालिका गृह्णातु शास्त्री प्रथम वर्षीया शास्त्री प्रथम तृतीय पुरस्कार दोसंगंतर शास्त्री द्वितीय वर्षीय शीघ्र पुनश्च युंगुंग बांगो सांत्वना पुरस्कार युंगुंग बांगो शीघ्र आया अपना कर्मराशि भुटिया विक्रमादित्य संयुक्त सांत्वना संयुक्त सांत्वना जी नहीं देखी और संयुक्त सांत्वना नवम घंटे संयुक्त सांत्वना नवम घंटे पुनः मध्यमायाम संस्कृतम जनवासा लोकन छोड़क लोकन छोड़क पुरस्कार निबंध प्रतियोगितायां एक छात्र शास्त्री प्रथम वर्ष से उभयो प्रतियोगितयो साफल्यम अलभत अजय कुमार तृतीय पुरस्कार विक्रम अजय कुमार अन्येषां प्रतिभागिनां प्रमाणपत्राणि यानि वर्तन्ते तानि कक्षायां वितरिष्यन्ते सम्प्रति रामजी महाभागा विद्यते चतुर्वेदी महाभागा सर्वे छात्राः एव सन्ति आत्मनीना अतः मत्कृते संस्कृत भाषणाभ्यासस्य अयम् अवसरः इति अहं मन्ये यदा अहं महाविद्यालये पाठशालायाम् अध्ययनं कुर्वन् आसम् तदा मया एकः अतीव विद्वान् संस्कृतशिक्षकः लब्धः अवधूत हळ्ळिकरमहाभागः तेन मम मनसि संस्कृत विषये रुचिः उत्पादिता
केवलम न केवलम संस्कृत भाषा विषय अभी तो संस्कृत काव्य विषय संस्कृत काव्य रचना कथम करणीया इत्यस्मिन् विषये अपि तेन मयि कौशल्यम् उत्पादयितुं यतितम्। गद्यलेखनम् अपि बाणभट्टशैलीम् अनुसृत्य कथं कर्तव्यम्, तादृशोऽपि अभ्यासः मया कारितः। किन्तु सः वदति स्म यत् संस्कृताभ्यासकाः केवलं संस्कृतम् एव पठन्ति इति न उचितं, तैः सर्वक्षेत्रेषु गन्तव्यं, विविधेषु क्षेत्रेषु गन्तव्यं, विविधेषु क्षेत्रेषु कौशल्यम् आसादनीयम्। अतः तदुपदेशम् अनुसृत्य मया संस्कृतं त्यक्त्वा इति वक्तुं न शक्यते, किन्तु मया मुख्यक्षेत्रम् अन्यत् स्वीकृतं। मया बीए परीक्षा स्टैटिस्टिक्स् मैथमेटिक्स् इत्यादिषु विषयेषु प्रदत्ता, किन्तु संस्कृतरुचिः या मम मनसि अजायत सा मया त्यक्तुं न अशक्यत। अतः तदनन्तरं संस्कृतद्वारा मया किमपि शास्त्राध्ययनं किमपि दर्शनाध्ययनमपि कृतम्। अतः पुनः अहं दर्शनविषयम् आगतः, दर्शनविषये मया एमए पदवी आसादिता, तत्र च भारतीयदर्शनस्य अध्ययनं संस्कृतस्य अध्ययनं पुनरपि मया आरब्धम्। संस्कृत अहं यथा संस्कृते रुचिः धारयन् आसम्, तथैव मम विचाराः न तावत् पारम्परिकाः। अहम् अश्रद्धः नास्तिकः आसम्, अद्यापि अस्मि। अतः संस्कृतविषये संस्कृतनिष्ठानां ये केऽपि विचाराः आसन् ते मया न स्वीकृताः। यथा संस्कृतप्रेमिणः वदन्ति स्म, संस्कृते संस्कृताश्रिता, सर्वं संस्कृते विद्यते। यदा अद्यापि भवद्भिः काव्यानि श्रुतानि, संस्कृतं राष्ट्रभाषा भवतु, तादृशाः मम विचाराः न सन्ति। किन्तु संस्कृतस्य यत् महत्वं तत् ज्ञानाभ्यासस्य कृते अत्यन्तं महत्वपूर्णा माध्यमभाषा इयं विद्यते। संस्कृतं व्यवहारभाषा भवतु वा न वा इत्यस्मिन् विषये मम मनसि संशयः। अहं न वदामि यत् यथा संस्कृतं पूर्वं व्यवह्रियते स्म तथा अद्यापि सा व्यवह्रियतां, संस्कृतभाषा व्यवह्रियतां, अद्यापि सा व्यवहारभाषा भवतु, अद्यापि सा राष्ट्रभाषावत् भवतु इति अहं नैव मन्ये। तथापि यदि कस्यापि भाषायाः सम्यक् अध्ययनं कर्तव्यं तथा सा व्यवहारभाषावत् अध्ययनीया, यद्यपि सा व्यवहारभाषा भवति वा न वा तथापि व्यवहारभाषावत् सा अध्ययनीया, कस्यां भाषायां भाषणस्य अभ्यासः कर्तव्यः, कस्यां भाषायां लेखनस्य अभ्यासः कर्तव्यः, तेन तस्यां भाषायां प्रावीण्यम् आसादयितुं शक्यते इति अहं मन्ये। मया कस्माश्चित् कालात् आरभ्य संस्कृतरचना परित्यक्ता। यथा मम मतम् आसीत् यत् संस्कृतेन व्यवहारः न कर्तव्यः, संस्कृतं केवलम् अध्ययनभाषा अस्तु, व्यवहारभाषा मास्तु इति मम मतम् आसीत्। तत्पूर्वं मया संस्कृते काव्यानि अपि रचितानि, किन्तु मया तत् सर्वं त्यक्तं। किन्तु साम्प्रतं यदाहम् अस्यां संस्थायाम् आगतः तदा पुनरपि हठात् काव्यरचना मया प्रारब्धा, किन्तु यतः अत्र तिब्बतीय काव्यानां तिब्बतीयगद्यस्य यदा पुनरुद्धारः कर्तव्यः भवति तदा कदाचित्
छंदोबद्ध रचना भी कर्तव्य भवति तिब्बतीय विद्वांसः मां वदन्ति अयम् उपजाति छंदसि श्लोकः विद्यते भवता उपजाति छंदसि तस्य पुनरुद्धा कर्तव्यः तदा मयापि कदाचित् काव्यरचना क्रियते अतः अहं मन्ये यत् यद्यपि व्यवहारभाषात्वेन संस्कृते आदरः कर्तव्यः इति अहं न मन्ये तथापि व्यवहारभाषावत् भवद्भिः संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तव्यं येन प्रावीण्यम् आसादयितुं शक्यते येन संस्कृतस्य अध्ययनम् अधिकसुकरतया कर्तुं शक्यं भवेत् अतः यैः अपि छात्रैः अत्र संस्कृतभाषणप्रतियोगितायां लेखनप्रतियोगितायां पारितोषिकानि लब्धानि तान् अहम् अभिनन्दामि यैः पारितोषिकानि न लब्धानि तथापि स्पर्धायां सहभागः कृतः तानपि अहम् अभिनन्दामि यतः तैः प्रयासः कृतः तेन प्रयासेन एव तेषां संस्कृतविषये रुचिः वर्धेत संस्कृतविषये प्रावीण्यं वर्धेत इति अहं मन्ये अन्ततो गत्वा अहम् एकां कवितां पठामि यतः अयं वातावरणं काव्यमयं विद्यते मया विश्वविद्यालयीयकाले एका मराठीभाषायां कविता कृता आसीत् तस्याः शीर्षकं शून्यारण्यक शून्यविषये उपनिषत् लिखितुं योग्यं वा आरण्यकं योग्यं मया चिन्तितं यत् आरण्यकम् इत्येव शून्यविषये यदि किञ्चित् लेखनीयं तदा आरण्यकं भवतु न उपनिषत् मराठीभाषायां मया यत् रचितं तस्यैव अयं संस्कृतानुवादः तत्र या मध्यवर्ती कल्पना सा इयं विद्यते यत् अस्माकं विचारस्य जीवनस्य कः प्रारम्भबिन्दुः भवति शून्यम् एकं शून्यं प्रारम्भबिन्दुः भवतु एकं वा प्रारम्भबिन्दुः भवतु अत्र मया प्रतिपाद्यते यत् शून्यतः यदि आरम्भः क्रियते तदा एव मनुष्यः सुखी भवेत् यदि एकतः आरम्भः क्रियते तदा समस्याः अत्र पठामि शून्यात् सर्वसमारम्भो व्यवहार्यतमो नृणाम् शून्यादारभते योऽसौ सुखं शून्ये निवर्तते एकोऽहमित्यारभते चे जनस्तं वदेदिदम् एकोऽसि अधुना नूनम् एकैकेनाधिको भव एकोऽहमित्यारभते चेत् जनस्तं वदेदिदम् एकोऽस्येवाधुना नूनम् एकैकेनाधिको भव एकत्वाभिनिविष्टोऽपि चिन्तयेत् नूनम् अस्म्यहम् एकः एकाधिकी भावे का हानिः वृद्धिरेव सा एकत्वाभिनिविष्टोऽपि चिन्तयेत् नूनमस्म्यहम् एक एकाधिकी भावे का हानिः वृद्धिरेव सा नान्त आधिक्यतृष्णायाः नान्तः आधिक्यतृष्णायाः विनिपातोऽपि आधिक्यतृष्णायाः विनिपातोऽप्यदुर्लभः एकत्वाभिनिविष्टस्य न शान्तिः न स्थिरस्थितिः शून्यस्थं तु यदा लोको वदे शून्यस्थं तु यदा लोको वदे स्याः अधिकाधिकः भवेदपि स भूयाम् किन्तु अन्तरे शून्यभावना शून्यभावना भवेदपि स भूयान् किन्तु अन्तरे शून्यभावनः भवेदपि स भूयान् किन्तु अन्तरे शून्यभावना न तु तस्याधिकासक्तिः सुखं शून्ये निवर्तते शून्यारम्भोत शून्यान्तः शून्यमध्यः सुखी सः
मिथ्यात्वाख्यम अधिष्ठानम आश्रित्य तु यदा अन्वहम मिथ्यात्वाख्यम अधिष्ठानम आश्रित्य तु यदा अन्वहम सत्यैः सह हसन् हस्तान्दोलनम् विदधाम्यहम् अभाविततया तत्तत् सत्यं संभावितं भवेत् अहम् संभाविततया स्याम् अभावित एव तु एवं शून्य समारब्धः शून्यमारम्य विस्तृतः शब्द क्रीडा प्रपञ्चोऽयम् शून्ये परिसमापितः शब्द क्रीडा प्रपञ्चोऽयम् शून्ये परिसमापितः धन्यवादः भवन्तः जानन्तु यथा गोखले महोदयैः मराठी कवितां अनूद्य संस्कृते प्रस्तुता तथा भवन्तः तिब्बती कवितां अनूद्य तिब्बती कवितायाः आशयं गृहीत्वा छन्दसि सा तावत् बौद्धीकरणीया तर्हि ते भावाः तासु भाषासु ये निहिताः सन्ति ते भावाः निगीर्यन्ते ते श्रूयन्ते एवञ्च सर्वेषां तत्र आह्लादः एकः कश्चन विशेषः आह्लादः जायते तथा भवन्तोऽपि तावत् निजभाषासु निहितानां कवितानाम् अनुवादं विदध्युः संस्कृते अतीव शोभनं भवतां तावत् शून्यात्मकं काव्यं शून्यात्मकं काव्यम् अत्यन्तम् आह्लादकम् आसीत् सर्वे जनाः सन्तृप्ताः भवन्तः एवमेव अस्माकं कक्षास्वपि आगत्य तावत् कदाचित् एवं काव्यानि श्रावयन्तु येन छात्राः उत्साहिताः भवेयुः काव्यकर्मणि च तावत् प्रवर्तन्ताम् एते छात्राः अतः परं धन्यवाद ज्ञापनार्थं मया भवतां गुरवः येषां छात्रा अद्य प्रतियोगितायां सहभागिताः विशेषेण तर्हि ते गुरवः धन्यवाद वचोभिः तत्र भवतश्छात्रान् कृतार्थयिष्यन्ति डाक्टर् रामजी सिंह महोदयाः केंद्रीय तिब्बती विश्वविद्यालय में और आज की सभा का अध्यक्षता कर रहे सम्माननीय प्रोफेसर गोखले जी तथा इस संस्थान में संस्कृत के लिए निरंतर प्रचार प्रसार में अध्ययन अध्यापनरत डॉक्टर धर्मधर चतुर्वेदी जी के सानिध्य में और उनकी छत्र छाया में अच्छी तरह से पढ़ने वाले और निरंतर कार्य में प्रगति कर रहे यहाँ के समस्त छात्र जो आज संस्कृत के काव्य पाठ का रसास्वादन कर रहे थे उन सभी छात्रों को तथा उनके गुरुतर भार से बोझल यहाँ पर उपस्थित जो अनेक अध्यापक गण पाठ्यक्रमों को अच्छी तरह से पढ़ाते हुए भी तन्मय रहते हुए आज संस्कृत शिक्षा का प्रचार प्रसार कर रहे हैं ऐसे अध्यापकों के सानिध्य में हमको आज धन्यवाद देने के लिए चतुर्वेदी जी ने हिंदी माध्यम में कहा है मैं बहुत ही अतः हो गया अतः मैं चतुर्वेदी जी के इन वचनों का स्वागत कर रहा हूँ सुनिए स्वागत कर रहा हूँ फिर भी विद्यार्थी विद्या का अध्ययन करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं चूंकि बच्चे कैसे संस्कृत में या किस तरह से किस रूप में लिख रहे हैं मैं सबसे पहले यहाँ के प्रचार प्रसार में रत डॉक्टर धर्मधर चतुर्वेदी जी से निवेदन कर रहा हूँ कि अपने निष्ठा के साथ साथ बच्चों के प्रति थोड़ा सा और लगन बढ़ाएं ताकि ये बच्चे केवल संस्कृत के गीतों के गाने से अथवा मैं
व्याकरण का पूर्णतया विद्वान हूँ, व्याकरण को अच्छी तरह से जानता हूँ। चतुर्वेदी जी के कहने से विद्यार्थी पारंगत अपने क्षेत्र में नहीं हो जाएंगे, इसलिए मेरा निवेदन है कि इन बच्चों को थोड़ा सा झुक करके ये पढ़ाएं। और बच्चों से भी ये निवेदन है, बच्चों से भी यह निवेदन है कि अपने स्तर से थोड़ा सा ऊपर उठ करके गुरुजनों के सानिध्य में जाकर के पढ़ने का प्रयास करें। आज इन छात्रों को मेरा यही साधुवाद है कि हमें गैरों से कब फुर्सत, न हम खाली न तुम खाली। यह बात समझ लो कि तुम्हें फुर्सत लेनी है अध्यापकों को भी, क्योंकि जिस विद्यालय में प्रथम कोटि, उत्तम कोटि और अधम कोटि के अध्यापक और छात्र हो सकते हैं, लेकिन यदि उसका इंजन चलाने वाला यदि उत्तम होगा तो रेल के जैसे सभी डिब्बे एक ही समय पर पहुंच जाते हैं, उसी प्रकार से ये विद्यार्थी भी उत्तम गुरु के माध्यम से अवश्य ही अपने गंतव्य स्थल पर पहुंच जाएगा। आपने देखा कि गोखले जी हमारे सामने उपस्थित थे, उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि मैं संस्कृत का के प्रति मेरी निष्ठा होते हुए भी उतनी निष्ठा नहीं है, क्योंकि ये जानिए क्यों नहीं थी नहीं वो अब हो गया हूँ आगे आलोचना करने दीजिए नहीं है, किंतु मुझे यहाँ आने के पश्चात यहाँ के पारंगत विद्वानों को देखने के पश्चात मुझे मालूम हुआ कि हर छंदों में हमें कुछ न कुछ कहना या लिखना या बच्चों को पठन पाठन कराना है, इसलिए होना आवश्यक है। और वे पुनः यही अमरवाणी की गरिमा है कि सबको जबरदस्ती अपनी ओर खींच ही लेती है, जैसे हमारे मंचस्थ विद्वान को भी खींच ही लिया और वे अपने काव्य के कविता से आपको आप्लावित किए। यह उनकी गरिमा है कि उसको उन्होंने सुधार लिया, गुरु जी की गरिमा है उन्होंने सुधार दिया, काव्य की भी गरिमा है कविता के क्षेत्र में। और मुझे उम्मीद है यदि कहीं कहीं शब्द में त्रुटि हो रही है तो सुनिए, ये विद्यार्थी हैं, आपको भी सुनना है। और चतुर्वेदी जी को मैं इसलिए सुना रहा हूँ कि मैं 20 साल से इनके साथ 25 साल से हो गया हूँ, कहते जरूर हैं, लेकिन विद्यार्थियों के पास तीन समय पर ये ज्यादा आते हैं, जब कोई गोष्ठी करानी होती है, कोई संस्कृत का भाषण कराना होता है, तब ये बच्चों के पास, या नाटक कराना होता है तब आकर के खूब बच्चों में जाती। सर मेरा बारम्बार निवेदन है कि विभागाध्यक्ष भी है, डीन भी है, जो कुछ कहिए सब कुछ है, अकेले सब कुछ है। अरे मान लीजिए नहीं कोई है, मान लीजिए तो सब कुछ यही है। मैं ये चाहता हूँ ये विद्यार्थी इनके समीप में जाओ, पंडित जी पूर्वत व्रत होकर के विद्यार्थियों को आगे बढ़ाएं इन्हीं चंद शब्दों के साथ। जो बच्चे यहाँ पुरस्कार को प्राप्त किए हुए हैं और अथवा जिन बच्चों ने उन विद्यार्थियों का साथ नहीं दिया या चतुर्वेदी जी के सानिध्य में आकर के उनके द्वारा सुझाए गए मार्गों का पालन नहीं किया, उन छात्रों को मेरी चेतावनी भरी शब्दावली है कि वे पुनः अच्छी तरह से अनुशासन को अनुशासित होकर के अच्छी तरह से ग्रहण करें। यदि बौद्ध विद्या संस्थान में रह करके, एक केंद्रीय उच्च तिब्बती संस्थान में रह करके यदि आप इस गर्मिया का पालन नहीं करते हो तो तुम एक अच्छे बौद्ध भिक्षुक भी नहीं हो, न अच्छे छात्र हो, केवल नाम मात्र के हो। इसलिए मैं आपसे बारंबार निवेदन करता हूं कि यह शांति का कुल है, शांति का वातावरण है, यदि तुम यहां अध्ययन नहीं कर पाओगे तो विश्व की किसी भी वाटिका में जाओगे तुम्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। मैं दावे के साथ कहता हूं कि कहीं अच्छी पढ़ाई यहां से नहीं होती। इसलिए मेरा निवेदन है अपने छात्रों से, ये अनुशासित विद्यार्थी है लेकिन थोड़ी सी इनमें चंचलता आ जाती है, ये बेचारे उच्छृंखित हो जाते हैं। हमारे यहाँ नाना प्रकार के उत्सव होते हैं, रोज हारी डे हो जाता है दूसरे ढंग से, किसी के परिनिर्वाण दिवस पर तो किसी के
तो आप लोग उस अवस्था उसको भी पूरा कीजिए, लेकिन पूरा करने के साथ साथ जो ज्ञान का केंद्र है संस्कृत अनिवार्य है। 14-14 क्लास चलते हैं फिर भी हमारे विद्यार्थी परिनिष्ठित और परस्कृत ज्ञान को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। अच्छे हैं कि पीएम फर्स्ट के विद्यार्थी प्रथम पाए, पीएम फर्स्ट के विद्यार्थी यहाँ प्रथम स्थान पाए, शास्त्री फर्स्ट के विद्यार्थी प्रथम स्थान पाए, यानी आचार्य के विद्यार्थी कहाँ चली गई, उनकी गरिमा कहाँ धूमिल हो गई। यह दुखद है, और जिसको अच्छी तरह से चतुर्वेदी जी ही पढ़ाते हैं, इसलिए मुझे संशोक ये कहने में दुख के साथ है कि या तो आप उत्कृष्ट लिखा देते हैं, बहुत कृष्ण लिखा देते हैं, अथवा उच्चस्तरीय लिखा देते हैं जिससे नीचे वाले पास हो जाते हैं। ऐसा बात अच्छी है कि आप अपने बच्चों को दबा देते हैं और दूसरों को बच्चों पे, ये आपकी महिमा है कि अपने बच्चों को दबाने का प्रयास करते हैं, दूसरों को उठाने का काम करते हैं। फिर भी समय ज्यादा हो गया है और मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी पर विराम कर रहा हूँ। साथ में जो लोग कर्म काम में लगे हुए हैं, जो हमारे यहाँ अच्छी तरह से रोशनी को दे रहे हैं, कुलपति जी और कुल सचिव जी जो यहाँ के लिए सभा में हम लोगों के लिए जगह भी उपस्थित कराए, या संस्कृत के प्रचार और प्रसार के लिए इतना बहुमूल्य समय दे दिए, उनके लिए भी हम लोग हम अपने शब्दों से साधुवाद ही दे रहे हैं। भले उपस्थित नहीं रहे हैं, किसी दूसरे कार्यक्रम में रहते हैं, लेकिन उनकी बहुत ज्यादा निष्ठा है संस्कृत के प्रति, उनकी बहुत ही निष्ठा है। और आप लोगों से मैं बता दे रहा हूं कि अगले साल बहुत ज्यादा वो परिवर्तन करेंगे संस्कृत में। अभी भी हो सकता है कि हर बच्चों को नया नया पेपर मिले परीक्षा के समय भी, ये भी हो सकता है। इसलिए आप लोग तैयार हो जाइए अभी से। चलिए समाप्यते काव्य सभा। जयतु काव्यम, जयतु संस्कृतम।